हमारी सरकार के एक बहुत बड़े विभाग ने थोड़े दिन पहले सर्वेक्षण किया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इस संस्था की तरफ से, भारत सरकार की संस्था है, इन्होंने एक सर्वेक्षण किया है और वो सर्वेक्षण में उन्होंने जानकारी दी है कि 110 करोड़ लोगों के भारत में मात्र 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं, मात्र 33 करोड़। इसको दूसरे सरल शब्दों में मैं कहूं तो भारत में सिर्फ 33 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो चिकित्सा करा सकते हैं, वो चाहे एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, बायोकेमिक हो, नेचुरोपैथी की हो, योग या प्राणायाम की हो, या मैग्नेट थेरेपी की हो, जिनको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। मात्र 33 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी इच्छा के डॉक्टर से चिकित्सा ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 77 करोड़ नागरिक ऐसे हैं इस देश में जिनके पास चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं। वो तो 77 करोड़ नागरिक हैं, वो या तो किसी ओझा के पास जाते हैं, या तो कोई दुनिया के पास जाते हैं, या तो कोई पीर फकीर के पास जाते हैं, या किसी महात्मा साधु संत के पास जाते हैं और जो भी उनको मिलता है उसी को सहर्ष चिकित्सा मानकर वो स्वीकार करते हैं। इसमें दुष्परिणाम भी होते हैं, कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी आ जाते हैं। दुष्परिणाम ये होते हैं कि कई बार हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौतें हो जाती हैं इस देश में। कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी मिल जाते हैं, कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर है, साधु महात्मा है, जिसको ज्ञान है तो वो कभी उनको ठीक भी कर देते हैं। लेकिन 77 करोड़ नागरिकों का जो जीवन है वो सरकार की जानकारी के अनुसार बिना चिकित्सा के चलता है। मात्र 33 करोड़ नागरिक ही है जो चिकित्सा ले पाते हैं। ये जो 33 करोड़ नागरिक है इनके बारे में एक सर्वेक्षण किया है सरकार ने। इन 33 करोड़ नागरिकों में से 5 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी बीमारी डायबिटीज है और इस डायबिटीज के कारण उनकी जिंदगी बहुत दुख में है। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसको मदर डिसीज कहा जाता है या कभी कभी इसको साइलेंट किलर कहते हैं। ये डायबिटीज ऐसा होता है कि किसी को मारेगा तो चुपचाप ही बेचारा चला जाएगा, बता भी नहीं सकता। मेरे साथ अभी एक दुर्घटना हुई। मैं एक दिन रेल से दिल्ली से जम्मू जा रहा था। मेरा एक दोस्त मेरे ही साथ इस अभियान में काम करता हुआ वो भी मेरे साथ जा रहा था। मेरी जो बर्थ थी ट्रेन में वो नीचे थी, उसकी ऊपर थी। रात को दिल्ली स्टेशन पर हम सब सो गए, वो ऊपर में सो गया, मैं नीचे सो गया। सवेरे जब ट्रेन जम्मू पहुंची तो मैंने उसको झकझोर के जगाया तो वो जगा नहीं, और मैंने जब थोड़ा हिलाया तो पूरा शरीर उसका नीचे गिर गया। तब मुझे पता चला कि वो मर गया, रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम उसे ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इनको सीवियर हार्ट अटैक आया। तो डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो इसके नीचे की बर्फ पे सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो भाई है इसको डायबिटीज था और डायबिटीज के किसी पेशेंट को कितना भी सीवियर हार्ट अटैक आए वो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सेंसेशन खत्म हो जाता। डायबिटीज ऐसी बीमारी है। ये 5 करोड़ भारतवासियों को हो गई है। धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह से भारत में लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जॉइंट्स पेन रहता है हमेशा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, आप उसको आर्थराइटिस कहिए या संधिवात कहिए, 3.5 से 4 करोड़ लोगों को ये तकलीफ है। भारत सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 4.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पेट की अनेक अनेक बीमारियां हैं,
जैसे कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, जैसे मूड़ व्यार है, बवासीर है, भगंदर है, हेमरॉइड्स है, पाइल्स है, ऐसे रोग हैं। फिर सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको दमा है, अस्थमा है, और दमा अस्थमा के साथ टीबी जोड़ दी जाए तो ये 10 करोड़ की संख्या हो जाती है। तो मैंने देख लिया कि 33 करोड़ लोग जो इलाज कराते हैं इस देश में वो सब गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। इनका खर्चा कितना है इलाज कराने का, ये सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भारत के नागरिक एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसमें 3 खर्चे शामिल हैं, डॉक्टर को दी गई फीस, खरीदी गई दवाएं, और अगर जरूरत पड़ने पर हुआ ऑपरेशन तो ऑपरेशन का खर्चा, खरीदी गई दवाएं और डॉक्टर को दी गई फीस, ये तीनों मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए बैठता। अब 4.5 लाख करोड़ रुपए की जो रकम है वो छोटी मोटी नहीं है, अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखो तो कैलकुलेटर फेल हो जाए। कारण ये है कि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और ये 4.5 लाख करोड़ लिखने में 14 अंक लगते, 45 लिखना, फिर उसके आगे 12 शून्य लगाना, 0012, इतनी बड़ी रकम चिकित्सा पर खर्च हो जाती है इस देश में। इस रकम के दो हिस्से हैं, एक तो वो जो सरकार खर्च करती है लोगों के ऊपर, दूसरा वो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने ऊपर। आप जानते हैं कि भारत में 2 तरह से सरकार चलती है, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार, दोनों चिकित्सा पर जो खर्च करते हैं और लोग अपने ऊपर जो चिकित्सा का खर्च करते हैं, ये कुल मिलाकर साल का 4.5 लाख करोड़ बैठता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को अगर ये पूछा जाए कि ये 4.5 लाख करोड़ का खर्च होने के बाद क्या गारंटी है सब ठीक हो जाएंगे, कहते कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये सालों साल से इसी तरह से चल रहा है, खर्चा कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये एक गंभीर बात है, हम चिकित्सा पर खर्च बढ़ाते जाएं, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है। सुख की जो परिभाषा है भारत की वो ये कि जो संपूर्ण निरोगी है वो सुखी है, जिसका जीवन निरामय है वो सुखी है। तो संपूर्ण निरोगी लोगों की संख्या इस देश में लगातार घट रही है, सुख बढ़ नहीं रहा है, बीमारियां जरूर बढ़ रही हैं। कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई देते हैं बीमारियों के तो दिमाग चक्कर खा जाए, चिकन गुनिया, अभी थोड़े दिन पहले ये रोग आ गया, करोड़ों लोग परेशान हो गए, करोड़ों डॉक्टर भी परेशान हो गए, क्योंकि उनको भी ये रोग से ग्रसित होने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और अभी तक मैं भारत में घूमता हूं, चिकनगुनिया गए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन लोगों का दर्द अभी तक नहीं गया, चिकनगुनिया का घुटने अभी भी दुख रहे हैं, कमर अभी भी दुख रही है, कंधे में अभी भी दर्द। ये समस्या हमारे देश में है और ये समस्या भारत में है, ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी देशों में है। आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूरोप में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो क्या वहां सब लोग सुखी हैं? वहां भी नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी बीमारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां की दवा कंपनियां और डॉक्टर बोलते हैं कि इनका स्वास्थ्य का इलाज कर पाना असंभव जैसा दिखने लगा। यूरोप में भी वही हाल है, यूरोप और अमेरिका की सरकारें बोलती हैं कि उनका सबसे ज्यादा टैक्स दवा बेचने वाली कंपनियों से ही आता है, यूरोप और अमेरिका, इसका मतलब सबसे ज्यादा वहां कुछ बिकता है तो दवाएं ही बिकती हैं, और दवाएं अगर सबसे ज्यादा बिक रही हैं तो बीमार लोग सबसे ज्यादा हैं। आपको एक बात मन में आती होगी कि ये यूरोप अमेरिका के देश तो बहुत सुखी हैं क्योंकि बहुत पैसा है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर देश है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है स्वीडन,
इन तीनों ही देशों में मनोरोगियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा। मनोरोगी माने मानसिक रोगों के जो मरीज है, वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है, डेनमार्क में है, नॉर्वे में है और स्वीडन में है। जबकि सबसे ज्यादा सुविधाएं इन्हीं चार देशों में है। कभी आप डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में प्रवास करें तो आपको लगेगा बाहर से देखकर कि सब स्वर्ग तो दुनिया का यहीं पर है। इतनी अच्छी सड़कें हैं वहां पर कि कहीं किलोमीटर पे किलोमीटर आप चले जाइए, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चले जाइए, सड़क में कहीं खड्डा नहीं मिलेगा, कहीं भी खड्डा नहीं है। हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस देश की सड़कों पर एक खड्डा भी नहीं है, उस देश में कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज, कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज स्वीडन में है, डेनमार्क में है, नॉर्वे में। वहां के लोगों को पूछो कि भैया तुम्हारी सड़क तो इतनी चिकनी है, सपाट है, गाड़ियां भी सबके पास है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास दो से कम गाड़ियां हो, कम से कम तो दो है, अधिक से अधिक तो 10-10 गाड़ियां हैं एक एक परिवार में, तो गाड़ियों में ही चलना है, सड़कें एकदम प्लेन है, चिकनी है, फिर तुम्हें कमर दर्द कैसे होता है। हम हिंदुस्तानी सोच सकते हैं कि यहाँ सड़क नहीं होती है, खड्डे में से सड़क जाती है, खड्डे ही खड्डे होते हैं, तो बार बार गाड़ी ऊपर नीचे, तो हमें कमर दर्द हो तो समझ में आता है तुमको ये कमर दर्द कहां से आ गया। तो कहते हैं कि साहब सुविधाएं बढ़ने से स्वास्थ्य मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। सुविधाएं बहुत हो सकती है लेकिन आप सुखी हैं ये बिल्कुल नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा टेलीफोन प्रति व्यक्ति फिनलैंड में है, छोटा सा देश है फिनलैंड, लेकिन सबसे ज्यादा मस्तिष्क के कैंसर उसी देश में पर कैपिटा। तो ये मैं बातें आपको सिर्फ ध्यान में लाने के लिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है आपके घर में बहुत सुविधाएं हो लेकिन रात को नींद ही नहीं आती हो, घंटों घंटों नहीं आती हो, चार चार गोलियां खाने के बाद भी नहीं आती हो। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं लेकिन दो घंटे की नींद के लिए तरसते हैं कि उनको नींद आ जाए। कभी भी मैं उनके घर में जाता हूं तो एक ही बात कहते, राजीव भाई कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो कि नींद आ जाए। तो मैं उनसे कहता हूं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया। ऐसी स्थिति हमारे देश में है, दुनिया के सभी देशों में है। इस स्थिति को ठीक होना चाहिए, इस दृष्टि से मैं बहुत दिन से सोचता रहता हूं कैसे ठीक हो। अपने देश में और दूसरे देशों में जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उस पर से मैंने सोचना शुरू किया कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अपने ही भारत देश में 33 करोड़ लोग जो चिकित्सा ले सकते हैं वो गंभीर बीमार है, और 77 करोड़ जो नहीं ले सकते उनकी तो बात ही क्या है, इन लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक बार मैंने सोचना शुरू किया शायद हॉस्पिटल की संख्या बढ़े, डॉक्टर ज्यादा हो जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत में 20 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 10 लाख डॉक्टर हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, 30 लाख डॉक्टर इस देश में काम कर रहे हैं, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोई गारंटी नहीं है कि ये 1 करोड़ हो जाए तो मरीज कम हो जाए। हमारे देश में 1947 में जब आजादी आई थी तो 70 करोड़ रुपए साल की दवाएं इस देश में बनती थी, आज इस देश में 70,000 करोड़ रुपए साल की दवाएं बनती है, फिर भी सुख नहीं मिल रहा, बीमारियां कम नहीं हो रही। तो बीमारियों को कम करना है और सुखी होना है तो शायद इसका कोई अलग रास्ता है। ये सोचकर मैंने पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना शुरू किया तो समझ में आया कि बीमारियों का जो संबंध है वो सीधा सीधा जीवन शैली से है, खान पान से है, आचरण व्यवहार से है, सीधा सीधा संबंध। दुनिया में सभी बड़े डॉक्टर सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, और साइकोसोमेटिक बीमारियां अगर 90% हैं तो साइकोसोमेटिक होना तो सीधे सीधे अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना खान पान, अपना रहन सहन इससे जुड़ा हुआ है, अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है।
तो मैंने इस दृष्टि से देखना शुरू किया कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में मैं ये सोचूं कि इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, तो पता चला कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके विपरीत हमारा जीवन शैली हो गई है। हमारी जो प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण है, उसके ठीक उल्टी हमारी जीवन शैली हो गई है। आप बोलेंगे कि हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, वातावरण कैसा है। भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है। मैं ये बात 23 देशों को देखने के बाद कह रहा हूं। मैंने दुनिया में लगभग 23 देशों का प्रवास किया। उन सबको देखने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अद्भुत देश है। और हम कई बार कहते हैं ना, भारत महान देश है, तो इसकी सच में कुछ महानता है जो दूसरे देशों में नहीं है। आप बोलेंगे उदाहरण के लिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। दुनिया में ये अकेला देश भारत है जहां पर 16 तरह के मौसम हैं। अगर तकनीकी शब्द में कहूं तो 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं इस देश, जो किसी दूसरे देश में है। 16, 1 और 6, 1 7, एक ही देश। यूरोप में आप घूमने जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं वहां पर, एक ठंड वाला और एक भयंकर ठंड वाला, 2 ही क्लाइमेट जोन्स। ठंड वाला माने तापमान होगा 4 डिग्री 5 डिग्री, और भयंकर ठंड वाला तापमान होगा -20 -25 -30। पूरे यूरोप में और अमेरिका में यही हाल है। अफ्रीका में चले जाइए तो अफ्रीका में भी 2 ही क्लाइमेट जोन्स हैं, एक गर्मी वाला और एक भयंकर गर्मी वाला। लैटिन अमेरिका में चले जाइए तो लैटिन अमेरिका में भी 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एक तो बारिश वाला और एक भयंकर बारिश वाला। अगर आप ब्राजील जैसे देश में चले जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, साल में 8 महीने बारिश होती ही रहती है, 8 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, धुआंधार मूसलाधार बारिश गिरती है 8 महीने। और ब्राजील जैसे देशों का इतना बुरा हाल है कि कपड़ा सुखाना हो तो धोने के बाद 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं आराम से सूखने में। कई बार वॉशिंग मशीन फेल हो जाती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। तो लैटिन अमेरिका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, बारिश और भयंकर बारिश। यूरोप और अमेरिका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, ठंड और भयंकर ठंड। अफ्रीका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, गर्मी और भयंकर गर्मी। भारत में 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसी देश में है, कहीं नहीं। आपको मैं थोड़े से उदाहरण से समझाता हूं। अगर आपको भारत में अफ्रीका देखना है, इसी भारत में अफ्रीका देखना है, तो राजस्थान आ जाइए, देख लीजिए। अफ्रीका में आप जानते हैं भयंकर रेगिस्तानी इलाका। आपको भारत में रेगिस्तान देखना है, रेगिस्तानी गर्मी देखनी है, तो जैसलमेर आ जाइए, बीकानेर आ जाइए, जोधपुर के पास आ जाइए, आपको दिखाई देगा। इस भारत में आपको ब्राजील वाला क्लाइमेटिक जोन देखना हो, भयंकर बारिश और मूसलाधार बारिश, तो चेरापूंजी आ जाइए। कर्नाटक में आ जाइए, मलनाड एरिया में, तो आपको ब्राजील दिखाई दे जाए। अगर इस देश में आपको ठंड और भयंकर ठंड देखनी हो तो हिमाचल प्रदेश आ जाइए, जम्मू कश्मीर आ जाइए, उत्तरांचल आ जाइए, आपको स्वीडन और डेनमार्क नजर आ जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया का दलदल इलाका देखना हो, कीचड़ वाला, तो इसी देश में बिहार आ जाइए, बंगाल आ जाइए, खूब कीचड़ वाला इलाका देखने को आपको मिल जाए। दुनिया का कोई भी क्लाइमेटिक जोन देखना हो तो भारत में है। मैं मानता हूं ये भारत की सबसे बड़ी महानता है जो किसी देश में, और ये क्लाइमेटिक जोन सबके सब एक साथ भारत में है। इसका कारण क्या है? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि दुनिया में भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहां सूर्य भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इस देश में साल में 2-4 दिनों को छोड़कर कोई भी दिन ऐसा नहीं आता जो संडे ना हो।
एस यू एन डी ए वाई, संडे माने सूर्य का दिन, संडे माने छुट्टी नहीं, संडे माने सूर्य का दिन। भारत में साल में 365 दिनों में से 5-7 दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संडे ना हो, और यूरोप और अमेरिका में 365 दिनों में से 15-20 दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संडे हो। वहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं, अमेरिका यूरोप में तो 8 महीने सूरज का दर्शन नहीं होता, इतनी ठंड और बर्फ का इलाका है, सूरज ही नहीं निकलता, सूर्य दिखाई नहीं देता। और इन देशों में कभी गलती से सूर्य निकल आया तो वो लोग पागल हो जाते, और इतने पागल हो जाते कि कपड़े उतार के फेंक देते, एकदम नंग धड़ंग समुद्र के किनारे लौटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए, उससे ही विटामिन डी मिलता। और अगर उनको अपने देश में ना मिले तो वो पागलों की तरह से भारत में भाग भाग के आते हैं और सब कपड़े उतार उतार के यहाँ के समुद्र तटों पर लोट लगाते रहते हैं। आपको लगता है ये मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए शर्ट उतारते हैं, पैंट उतारते हैं, सब उतार के ले जाते हैं। वो अश्लीलता नहीं फैलाते, वो इतने गरीब है कि उनको मिलती नहीं है धूप, वो धूप खाने के लिए जहां। और भारत सरकार दुनिया में अकेली सरकार है जो धूप पर टैक्स नहीं लेती, हाँ सूर्य प्रकाश पर यहाँ कोई टैक्स नहीं, मुफ्त में है सबको, जितना चाहो उतना ले लो, हर दिन ले लो, रोज रोज ले लो, 1000 साल से अगले 1000 साल तक, ये अद्भुत देश है। तो वो यहाँ आते सूरज की धूप लेने के लिए आते, ये हमें समझने की जरूरत है। इस देश पर सूर्य भगवान की अद्भुत कृपा है, और जिस देश पर सूर्य की कृपा हो जाए वहां सबकी कृपा आ जाती। जहां सूर्य की कृपा हो गई वहां सबकी कृपा हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाला सूर्य ही है। इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अगर कहीं है तो सूर्य में है। आप जो सरल 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 तरीके से इसको समझो, आप अगर यहां सूर्य है तो टेम्परेचर में वेरिएशन है, तापमान में अंतर है, और ये तापमान का अंतर ही है जो बारिश लाता है, ये तापमान का ही अंतर है जो हवा चलाता है, पवन होती है, बारिश होती है, धूल भरी आंधियां होती है, सूखी हवा चले, गीली हवा चले, ये सब तापमान के अंतर से ही होता है, टेम्परेचर वेरिएशन। और टेम्परेचर वेरिएशन वही होगा जहां सूर्य होगा। तो सूर्य भगवान है तो इस देश में सब कुछ है, हम जमीन में कुछ भी डाल दें, सूर्य भगवान की किरण पड़ते ही अंकुरण निकलता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ बन के क्या क्या हमें देता है। दुनिया के जिन देशों में सूर्य नहीं है, अच्छे से अच्छा बीज खेत में डाल दो, कुछ नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक बार मैं जर्मनी गया था, तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में एक प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था। मैंने उसको पूछा कि आपके देश में गन्ना होता है, गन्ना? कहने लगे जी नहीं होता। केला होता है, केला? नहीं होता। शक्करकंदी होती है? नहीं होती। आम होता है? आम? नहीं होता। अनार होता है? नहीं होता। फिर कहने लगा आप ये राजी भाई कितनी देर पूछेंगे, मैं एक ही वाक्य में कह देता हूं कि दुनिया में जितनी मीठी वस्तुएं हैं वो हमारे देश में होती ही नहीं। जितनी मीठी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकृति की मिठास है वो पूरे जर्मनी में कहीं नहीं होती। तो फिर मैंने कहा आप खाते तो हो, आम भी खाते हो, केला भी खाते हो, गन्ना भी खाते हो, आटा कहां से हो? कहने लगे ये सब आपके देश से ही ला के हम खाते हैं। फिर मैंने पूछा अच्छा दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दो, पालक होता है? पालक, वो तो मीठा नहीं है। मेथी होती है? मेथी, वो तो मीठी नहीं है। मूली होती है? मूली, वो तो मीठी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप एक वाक्य में सुन लो कि जो भी पत्ते हरे हैं वो एक भी नहीं होते। पूरे जर्मनी में हरे पत्ते वाला कुछ भी नहीं होता, मीठा तो कुछ होता ही नहीं, हरे पत्ते वाला कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा भाई फिर होता क्या है?
तुम्हारे यहां? तो उनका दो चीजें होती है, एक तो होता है आलू बटाटा और एक होती है प्याज ओनियन। ये दो को छोड़कर कुछ होता नहीं, तो हमारे पास ये दो ही है, पोटैटो और ओनियन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर उसने मुझे पूछा तुम्हारे भारत में क्या क्या होता है, तो मैंने कहा आप देख पाओगे, मैं आपको बोलना शुरू करता। तो कुछ चीजें बोलते बोलते उन्होंने लिखना शुरू किया, फिर कहने लगा यार अब नहीं लिख सकते क्योंकि भारत में 14,000 वस्तुएं होती खेत में जंगल में, 14,000 हर मीठी वस्तु इस देश में पैदा होती है जो कोई दुनिया में कल्पना नहीं करता। और ये जो जर्मनी का हाल है, ये यूरोप के सभी देशों का हाल है। फ्रांस एक छोटा सा देश है जहां अंगूर हो जाता है और थोड़ी लीची हो जाती है, बाकी और कुछ वहां भी नहीं होता। अमेरिका में भी यही हाल है, 3-4 चीजों के अलावा पांचवी कोई चीज उनके यहां भी नहीं होती। क्यों? सूर्य का प्रकाश नहीं। अब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा धरती में से, और सूर्य का प्रकाश उनको 2-2.5 महीने मिलता है, उतने में जो होना है वो हो जाता है, यहां पूरे साल मिलता है। तो यहां सब कुछ है क्योंकि सूर्य है, वहां कुछ भी नहीं है क्योंकि सूर्य नहीं है। ये यूरोप और अमेरिका बहुत गरीब है, उनको सूरज की धूप भी नहीं मिलती जो हमें मुफ्त में मिलती। तो उनको सूरज की धूप नहीं मिलती तो वो रात दिन क्या हिसाब जोड़ते रहते हैं कि शरीर में अगर कोई भी डेफिशिएंसी आए, अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा सूरज की धूप खाके, तो कुछ ना कुछ तो कमी आने वाली है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन, तरह तरह की गोलियां, तरह तरह के टॉनिक्स, तरह तरह के, अगर उनको कहिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सिस्टम्स या उनके टेक्निक्स, वो रात दिन इसी में लगे रहते हैं जो हमें सब कुछ मुफ्त में मिला हुआ है। हमारे पास सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, उसके हिसाब से हमारा पूरा पर्यावरण है, वातावरण है। अब जहां सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वैसा पर्यावरण, वैसा वातावरण, तो जीवन शैली भी हमारी उनसे अलग है। जीवन शैली में हमारे अलग क्या होने का है? हमारे जीवन शैली में सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि बहुत व्यवस्थित हमें चलना है, हर हिसाब से कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि सूर्य जो है ना पूरे कैलकुलेशन से चलता है, सूर्य के परफेक्ट कैलकुलेशन से। और सूर्य के कैलकुलेशन है इसलिए दिन रात है, इसलिए सर्दी गर्मी है, इसलिए बरसात है, इसलिए अन्य 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 सब चीजें हैं। अगर ये परफेक्ट कैलकुलेशन सूर्य के खत्म हो जाए तो शायद ये देश भी खत्म हो जाए। और ये विशेषता इस देश में रही है, इसलिए भगवान को भी जन्म लेना हो तो वो भारत को ही पसंद करते। आपने वो सुना बहुत महात्माओं के मुंह से कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और भारत में तो और भी दुर्लभ। मनुष्य जीवन मिले तो ये दुर्लभ है और भारत में तो और भी दुर्लभ है। ये बात ऐसी है कि यहाँ का पर्यावरण वातावरण बहुत अद्भुत है जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं। तो अगर हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण इतना परफेक्ट है तो हमारा जीवन भी बहुत परफेक्ट होगा। और उस परफेक्शन में और यूरोप के परफेक्शन में थोड़ा अंतर बताता हूं। यहां पर बहुत सारी माताएं बहने हैं, आपको सुनकर ये ताज्जुब लगेगा कि यूरोप की कुल आबादी, पूरे यूरोप की कुल आबादी 27 करोड़ है, इसमें 23 देश शामिल हैं। दो देशों को छोड़कर सब देशों की आबादी 1-2 करोड़ के आसपास है। ब्रिटेन और जर्मनी और सॉरी फ्रांस, तीन को छोड़ दें जिनकी आबादी 5-6 करोड़ के बीच में है, बाकी कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 80 लाख, कोई 70 लाख, कोई 1.25 करोड़, ऐसे 23 देश हैं। इन 27 करोड़ देशों में कल्पना करें कि 12 करोड़ महिला या 13 करोड़ महिला और 13-14 करोड़ पुरुष, 13 करोड़ महिला जो यूरोप में रहती है, किसी को भी दही से मक्खन निकालना नहीं आता। और ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी है, अब इससे आगे बोलने जा रहा हूं, किसी को दूध से दही बनाना नहीं आता। आप सोच सकते हैं 13 करोड़ माताएं यूरोप में, बहनें
जानती नहीं है कि दूध से दही कैसे बनाया जाए। उनको कभी पूछो कि आप दूध से दही बनाना जानते हैं, वो कहते नहीं। क्यों नहीं जानते? उन्होंने कहा ये हमारे जानने की चीज नहीं, इसको कंपनियों को जानना चाहिए, क्योंकि कंपनियां ही दही बना के देती है और कंपनियों में काम करने वाली वही माताएं हैं, वो भी नहीं जानती। तो वो दही तो जानते नहीं है। तो दही जैसा एक पदार्थ होता उसको योगर्ट कहते हैं, उसी को दही के नाम पे खाते हैं। वो दही नहीं है, दही जैसा है। और योगर्ट खा खा के बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें दही जैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार डेनमार्क गया था और एक बार हॉलैंड गया था, तो वहां मैं मेरी माता जी के हाथ के बनाए हुए खाखरे लेके गया था। आप में से कोई गुजराती खाखरा समझते? तो मैं जब भी विदेश जाता हूँ तो मेरी माँ को कहता हूँ खाखरा बना के दे दो, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो 3 महीने भी टिकता। और मैं संपूर्ण शाकाहारी हूँ तो वहां के होटल में खा नहीं सकता, क्योंकि वहां शाकाहारी खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है, 3 गुना महंगा, खा नहीं सकते। तो मैं खाखरा लेते गया। खाखरा हम सभी जानते हैं गेहूं के आटे से बनता है। तो मैंने एक हॉलैंड के प्रोफेसर को खिला दिया कि देखो ये कुछ है खाओ। तो उसने पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा खाखरा। तो उसका प्रोनाउंसिएशन को नहीं कर पाया, तो उसने खाना शुरू किया। तो उसने पूछा सबसे पहला प्रश्न कि भारत में खाखरा बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं। तो मैंने कहा भैया इसकी फैक्ट्री नहीं होती है। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता, फैक्ट्री नहीं होती। हाँ नहीं होती, फिर कौन बनाता है? तो मैंने कहा मेरी माँ ने बनाया। तो वो कहता इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो मैंने कहा मेरी माँ नहीं, सब माए बनाना जानती है, भारत में सब माताएं ये बनाना जानती है, घर घर में ये बनता है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा इतना गोल हाथ से बनता है, मशीन होगी तो मशीन का नाम बताओ, मैं वो इंपोर्ट करके लाऊंगा भारत से और अपने घर में लगाऊंगा। मैंने कहा भैया ये हाथ से बनता है। तो जितने दिन मैंने उसको खिलाया वो मान ही नहीं पाया, तो एक दिन वो भारत आ गया देखने के लिए। तो उसको मैंने कुछ घरों में भेज दिया जहां खाखरा बनता था। वो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया कहता है कि अगला जन्म मुझे भारत में ही ले लिया। ये कुछ विशेष बात है। हमको दही बनाना आता है, दूध से दही बनाना यूरोप में 12 करोड़ माताओं को नहीं आता, अमेरिका में 15 करोड़ महिलाओं को ये नहीं आता, लेकिन अमेरिका में किसी को नहीं आता दूध से दही कैसे बनाए, दही में से मक्खन कैसे निकाला गया ये भी उनको नहीं मालूम है। तो दूध से सीधे क्रीम निकालते हैं और उसी से बटर ऑयल बना के वो इस्तेमाल करते हैं। हम दूध का दही बनाते हैं, दही का मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा में से मक्खन निकालते हैं, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी बनाते हैं जिसकी मिनिमम लाइफ 100 साल तक हो सके। बटर ऑयल तो 1 साल भी नहीं टिकता। तो ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि हमको कुछ आता है उनको नहीं आता। क्यों? शायद उनको वो सब आए उसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि ज्ञान भी वही होता है जहां आधार तो हो। ज्ञान बिना आधार के कहां टिकेगा? हमारे पास कुछ मूल आधार है इसलिए इतना ज्ञान हमारे पास है, उनका मूल आधार ही नहीं है। ज्ञान कहां से आए, और आए तो टिके कहां? दुनिया में सबसे जल्दी खराब होने वाली अगर कोई एक वस्तु है ना सबसे जल्दी, तो वो है आम, आम मैंगो। दुनिया के सब हॉर्टिकल्चरिस्ट ये मानते हैं कि सबसे जल्दी कुछ खराब होता है दुनिया में तो वो आम है, दूसरे नंबर पर अंगूर है, तीसरे नंबर पर फिर ऐसे ऐसी कई चीजें हैं। तो जो आम सबसे जल्दी खराब होता है उस आम को हिंदुस्तान की माताएं इस तरीके से व्यवस्थित करती हैं कि 20-20 साल 25-25 साल का मैंने आम का अचार खाया, इसी देश में खाया। किसी यूरोप की माता को पूछ के देख लो, पागल हो जाएगी कि ये संभव है, ये इस देश में संभव। मैं एक बार आंध्र प्रदेश के प्रवास पे गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश 1 महीने मैंने घूमा, 500 तरह के आम के अचार मैंने देखे और चखे, 500 तरह के आम के अचार सिर्फ आंध्र प्रदेश में।
पूरे भारत में आंध्र प्रदेश जैसे 35 राज्य हैं, पता नहीं कितने हजार तरह के आम के अचार। ये नॉलेज है और इसी को फंक्शनल नॉलेज कहते हैं। एक होती है नॉलेज और एक होती है फंक्शनल नॉलेज। नॉलेज का माने सिर्फ ज्ञान, फंक्शनल नॉलेज माने व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान उत्पादन देता है, ज्ञान मन को तसल्ली देता है। बस हमारे इस हिंदुस्तान में घर घर में तो व्यवहारिक ज्ञान है, अद्भुत है। मैं इसी देश का एक उदाहरण और दूं। यूरोप में और अमेरिका में कभी भी आप जाइए तो उनके पास ले लेके एक ही धान्य है खाने को, उसका नाम है गेहूं। दूसरा कोई धान्य नहीं है उनके पास खाने के। मक्का होती है लेकिन सिर्फ सोवियत संघ और उसके आसपास के राज्यों में। यूरोप का कुछ हिस्सा सोवियत संघ में है, बाकी बाहर है। तो मक्का कुछ ही राज्यों में है, सब जगह नहीं है। गेहूं लगभग सब जगह है। तो गेहूं होता है और गेहूं से उनको खाने के लिए जो चीज बनती है वो एक और एक ही चीज है जिसका नाम है डबल रोटी, पाव रोटी। वो एक ही चीज बनाना जानते हैं और वो भी घर में नहीं बनाना जानते, फैक्ट्रियां हैं उसके। और चक्कर क्या चलता रहता है पूरे अमेरिका और यूरोप में, आप किसी दिन अमेरिका और यूरोप चले जाइए, किसी बड़ी सड़क पे खड़े हो जाइए, बस देखते रहिए कि क्या गाड़ियां जा रही हैं और क्या गाड़ियां आ रही हैं, लंबी लंबी गाड़ियां। अगर आप उनका दरवाजा खोल के देखें तो या तो उसमें गेहूं भरा हुआ होगा या डबल रोटी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं। गेहूं जहां होता है वहां से गाड़ियों में भर भर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक लाना, फैक्ट्रियों में गेहूं का आटा बनाना, फिर उस आटे को गाड़ियों में भरकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेके जाना, वहां उसकी डबल रोटी और पाव रोटी बनाना, फिर उस डबल रोटी और पाव रोटी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के लेके जाना, फिर गांव गांव में उसको दुकानों पर बांट के आना, फिर गाड़ियां खाली हो जाए तो फिर गेहूं लेने जाना, यही चक्कर चलता है। और अमरीका और यूरोप की सड़कों पर 80% गाड़ियां जो चलती है वो इसी काम के लिए चलती है। 80% लंबे लंबे वैन, लंबे लंबे ट्रक गेहूं भरा है या तो डबल रोटी पाव रोटी। अब उनको पूछो कि भाई ये डबल रोटी पाव रोटी जो गेहूं से बना के खाते हो कुछ और क्यों नहीं खाते, तो उनका इसका कुछ और भी बन सकता, तो उनको पता ही नहीं है कि गेहूं से और क्या क्या बन सकता है। एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि आप क्या क्या बना सकती हो गेहूं से, वो मुझे लिस्ट करा दो। तो मेरी माता जी ने 33 चीजों की लिस्ट बनाई कि गेहूं से ये 33 चीजें बन सकती है। दलिया बन सकता है, रोटी बन सकती है। रोटी कितने तरह की बन सकती है, एक तो बहुत नरम वाली रोटी बन सकती है, एक कड़क वाली रोटी बन सकती है, एक भाकरी बन सकती है, एक रोटला बन सकता है, एक रोटली, ऐसे 33 मैंने लिख डाले। फिर पड़ोस की माता जी के पास पहुंच गया, उन्होंने 15 चीजें और जोड़ दी, फिर तीसरी पड़ोस की, 10-15 घरों में मैं गया तो लिस्ट में 300 चीजें आ गई। खाली गेहूं से 300 चीजें बनती हैं इस देश, गेहूं के दलिए से लेकर और आखिरी कोई चीज जो हो सकता है 300 एक ही गेहूं से। ये यूरोप में जाके मैं किसी को भी बोलता हूं तो कहते राजी भाई गप मार के, एक्सेजरेशन करके। मैं व्याख्यान देने कई बार विदेशों में भी जाता हूँ, उनको ये बताता हूँ तो कहते दिस इज ऑल एक्सेजरेशन। वो बोलते हैं ये सब अतिशयोक्ति है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। गेहूं से कोई दूसरी चीज बन सकती है सिवाय डबल रोटी पाव रोटी के? उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं, वो यहाँ होता है। ये सारे उदाहरण देने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि इस देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत है। और इस देश में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो माताओं बहनों को बहुत है, और ये ज्ञान के लिए इस देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। है क्या? खाकरा बनाने की कोई यूनिवर्सिटी देखिए? रोटला बनाने का कोई है कॉलेज है यहाँ है? रोटली बनाने का कोई कॉलेज चलता है धमतरी में? मैंने नहीं देखा। पूरे आम का अचार बनाने का कोई यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट कॉलेज, कोई कैटरिंग कॉलेज चलता है? नहीं है। जो फंक्शनल नॉलेज माताओं बहनों के पास है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नहीं है, वो माताओं से माताओं को, माताओं से माताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल लाखों साल से चला। अगर ये माताओं को हजारों लाखों साल से ज्ञान चला आ रहा है तो एक बार मेरे मन में आया कि ये शुरू तो कहीं से हुआ होगा,
किसी ने तो शुरू किया होगा इस ज्ञान को, तो पता चला कि इस देश में लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जब से भारत है, भारत की उम्र के बारे में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं भारत 5000 साल पुराना देश है, वो लोग गिनते हैं महाभारत से। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत 17 लाख साल पुराना देश है, वो गिनते हैं राम और रावण के युद्ध से। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत 8 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा पुराना देश है, वो गिनते हैं भगवान महावीर स्वामी के पीढ़ी के सबसे पहले तीर्थंकर से। और फिर मैं हिसाब जोड़ता हूं कि भारत तभी से है शायद जब से सूर्य है, मुझे ऐसा है। तो अब हम ये मान लेंगे ये करोड़ों साल पुराना देश, ये कोई 1-2 साल का देश नहीं। तो करोड़ों साल पहले का ये ज्ञान चला आ रहा है, राम के जमाने में भी गेहूं से रोटी बनने की या चावल से बहुत सारी चीजें बनने की कहानियां मिलती है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, कालिदास के रघुवंशम में है, कंब रामायण में है। और राम का साल 17.5 लाख साल से पहले का है समय, उस समय भी चावल से क्या क्या व्यंजन बनते हैं, गेहूं से क्या व्यंजन बनते हैं, अचार कितने तरह के हैं, चटनियां कितने तरह की, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन शायद राम के पहले भी होगा, शायद हमारे पहले तीर्थंकर के समय से होगा। तो ये करोड़ों साल से पहले का फंक्शनल नॉलेज है, चला आ रहा है, किसी ने शुरू किया होगा। तो जैन समाज में बहुत सारे साधु संतों से मैं मिलता रहता हूं, तो वो कहते हैं हाँ हमारे जो तीर्थंकर हैं इन्हीं से ये ज्ञान शुरू हुआ। कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने खेती करने का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने औषधियों का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने व्यापार का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने खान पान का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने रहन सहन का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने और तरह का ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान वहां से चला आ रहा और इसकी किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई है, पहले तो ये सब मौखिक था, बोलना सुनना बोलना सुनना बोलना सुनना, किसी ने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे चलता रहा। बाद में शायद इस ज्ञान का क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण, कुछ एक ज्ञान है एक हिस्से का है, दूसरा ज्ञान दूसरे हिस्से का। तो मान लीजिए हमको चिकित्सा का कुछ ज्ञान है, तो उसका वर्गीकरण करके हमने कहा कि ये चरक संहिता हो गई, ये सुश्रुत संहिता हो गई, ये बाघ भट्ट की संहिता हो गई, या अष्टांग हृदय हो गया, या अष्टांग संग्रह हो गया। इस तरह का चिकित्सीय ज्ञान एक तरह की चीजों में, खान पान का दूसरे तरह में, रहन सहन का आचरण का। तो ये ज्ञान थोड़ा वर्गीकरण होता गया। वर्गीकरण होते समय कोई विशेषज्ञ लोग निकले जिनकी अथॉरिटी थी इस ज्ञान पर, तो उनके नाम से हमने इसको याद रखना शुरू कर दिया। जैसे चरक ऋषि बहुत बड़ी अथॉरिटी थे मेडिसिन के बारे में, हो सकता है चरक ऋषि के पहले कोई और भी बड़े रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं आता। इसी तरह से सर्जरी के बारे में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे सुश्रुत, तो उनके नाम से हमने रख लिया। और खान पान रीति व्यवहार आचरण में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे बाघभट्ट, तो उनके नाम से याद रख लिया। याद रखने के लिए नाम जो है एक बहाना है, नाम अंतिम नहीं है। अंतिम से मतलब उन्होंने ही सारा ज्ञान दिया है ये नहीं कहा जा सकता, उनके पहले से किसी और ने भी दिया होगा, उन तक आया है, उन्होंने कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़ा। तो ये है भारत के बारे में। अब मैं आता हूं आज के विषय पर कि अगर ये व्यवहारिक ज्ञान हजारों लाखों करोड़ों साल से इस देश में है, तीर्थंकरों का दिया हुआ, ऋषि मुनियों का दिया हुआ, साधु संतों और महात्माओं का दिया हुआ, तो इस ज्ञान से हम वंचित कैसे हो गए? करोड़ों साल से ये ज्ञान हमारे पास रहा, बीच में क्या हो गया हमको? बीच में 1000 साल इतना बुरा समय आया इस देश में कि हम अपने ज्ञान से वंचित हो गए। 1000 साल वो समय क्या था? 10वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी तक विदेशियों के हमले हमारे ऊपर बहुत हो गए। 1000 से ज्यादा विदेशी हमले इस देश पर हुए पिछले 1000 साल। एवरेज निकालो तो
तो हर एक साल में विदेशी हमला, और ये जब विदेशी हमले हुए तो इसमें हमारी लूट हुई, हमारा धन संपत्ति इसमें चला गया, और हमारे शास्त्र भी इसमें लूट लिए गए, किताबें भी लूटी गई, पुस्तकें भी लूटी गई। तो ये लूट मार के लोग ले गए यहां से, हम उससे वंचित हो गए। जब वंचित हो गए तो हमें पता ही नहीं रहा कि हमारा अपना क्या था, तो विदेशियों ने आकर हमको जो कुछ सिखाना शुरू कर दिया, हमने उसी को ज्ञान मानकर अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दिया। आज की हमारी जो पीढ़ी है, आप और मैं, हम सब एक ऐसी अंधी सुरंग में खड़े हुए हैं जहां पर हमें अपने ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है या बहुत ही कम है। विदेशियों ने हमें कुछ सिखा दिया और बता दिया तो उसी को लेकर हम ढोल पीट रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो विदेशियों का ज्ञान हमने ले लिया, वो ज्ञान आया है एक अलग तरह के वातावरण और पर्यावरण से। वो वातावरण पर्यावरण कैसा है, वहां सूर्य है ही नहीं, सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, तो उनकी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर। आपको मालूम है दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। अगर 6 महीने की रात और 6 महीने वाले दिन के देश में से कोई ज्ञान आए और हमारे ऊपर वो लाद किया जाए जहां हर 24 घंटे में रात और दिन बदलते हैं, तो क्या कबाड़ा होने वाला है उस देश का, कल्पना करिए। जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है, उनका अपना ज्ञान खास तरह का होगा, जिनको नॉर्दिक कंट्रीज के आसपास का एरिया माना जाता है, और यहां हर 24 घंटे में दिन रात बदलते रहते हैं, हमारा ज्ञान दूसरे तरह का। कोई एक देश है जहां पर रात बहुत लंबी होती है, दिन बहुत छोटा होता है, शाम के 4:30 बजे ही रात हो जाती है, ऐसे बहुत देश हैं दुनिया में, और यहां तो शाम 6-7 बजे तक दिन रहता है, हमारा देश ऐसा है। तो जिन देशों में रातें लंबी होती हैं उनका कुछ खास तरह का जीवन शैली होगा, यहाँ रात इतनी लंबी नहीं है तो एक दूसरे तरह की जीवन शैली होगी। ये उदाहरण देकर मैं आपके दिमाग में सिर्फ बिठाना ये चाहता हूं कि अलग अलग देशों की अलग अलग जीवन शैली होती है, अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग जीवन शैली होती है, अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग जीवन शैली होती है, क्योंकि वहां का पर्यावरण, वहां की प्रकृति, वहां के वातावरण के हिसाब से वो चलता है। अब कोई देश दूसरे देश की जीवन शैली अपनाना शुरू कर दे तो वो मूर्ख और महामूर्ख कहलाता है। अपने देश की जीवन शैली और पर्यावरण वातावरण को भूलकर दूसरे देशों की जीवन शैली, पर्यावरण और वातावरण को हम अपनाएंगे तो मूर्खता में जाएंगे, और इस मूर्खता का अंतिम चरण वहां होगा जब हम स्वास्थ्य से विगत अलग हो जाएंगे और बीमारियों में डूब जाएंगे। हमारे भारत में ऐसा ही हुआ है। पिछले 250 साल तो अंग्रेजों की गुलामी में रहे, 250 साल से पहले मुसलमानों की गुलामी में रहे, इस गुलामी के दौरान जिन्होंने शासन किया उनके ही ज्ञान को हमने अपना ज्ञान मान लिया। कुछ मुसलमान आए जो राजा बनकर बैठ गए इस देश में, उन्होंने कुछ ज्ञान लाया तो हमने मान लिया यही हमारा ज्ञान। फिर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों ने किया, उनसे पहले डच लोगों ने किया, और उनसे पहले पुर्तगालियों ने किया, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच जो कुछ ज्ञान लाए हमने उनको भी मान लिया कि यही हमारा ज्ञान। हमारा अपना जो मूल ज्ञान था वो कहीं गया, उसको ना हमने पढ़ना समझना कोशिश किया, जो बाहर से आया हुआ था उसको अपना बना लिया। अब तकलीफ की बात ऐसी हो गई कि भारत में अपना मूल ज्ञान जानने वाले जो लोग हैं वो खत्म नहीं हो गए, वो आज भी हैं, लेकिन हमने उनको महत्व देना कम कर दिया। इस देश में आज भी साधु संत महात्मा हैं जो भारत का मूल ज्ञान जानते हैं, वो आपको बोलेंगे आपको लगेगा अरे इनकी तो आदत है बकबक करने, और कोई अंग्रेज आ जाए और यहां एक व्याख्यान दे दे नेचुरोपैथी पे तो आप तालियां पीटेंगे, अरे ये तो बड़ा ज्ञानवान आदमी, वो नेचुरोपैथी हमारे महाराज की सवेरे से शाम तक रोज सुनाते, तो हमको लगता नहीं है कि वो कोई ज्ञान। विदेश का आके बोलेगा उसी बात को, बहुत अच्छा, योग प्राणायाम को हिंदुस्तान में सिखाए कुछ खास बात नहीं, कोई विदेशी आके कहने लगे बहुत अच्छी बात है,
रामदेव जी मुझे कहते, राजीव भाई जब से मेरी विदेश यात्रा हुई है भीड़ बढ़ गई है मेरे यहाँ आने वाले, क्योंकि मैं विदेश होके आ गया, ठप्पा लग गया मेरे ऊपर भी कि मैं फॉरेन रिटर्न हूं, तो मेरे यहाँ की कीमत बढ़ गई। तो ये हमारी अपनी मूर्खता है और इस मूर्खता में हम डूब गए हैं, इसलिए हम अपने जीवन से अलग हो गए हैं और इसलिए बीमारियों में डूब गए, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर हम फिर से अपने ज्ञान में वापस आ जाएं, तो शायद ये बीमारियां हमारे जीवन से चली जाए। इस दृष्टि से मैंने कुछ करना शुरू किया और पिछले 10-12 वर्षों से भारत का क्या ज्ञान रहा खान पान में, चिकित्सा में, आचार व्यवहार में, जीवन में, संस्कृति में, परंपराओं में, वो ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना शुरू किया और न सिर्फ इकट्ठा करना शुरू किया बल्कि लोगों को बताना शुरू किया। लोगों से मैंने कहा कि भैया मैं तुमको ये बता रहा हूं, तुम इसको करो और रिजल्ट देखते हैं क्या आएंगे। और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतने अच्छे रिजल्ट कि लोग सोच नहीं पाते कि राजीव भाई थोड़ी सी जीवन शैली हमने बदली और हमारी ये बीमारियां ठीक हो गई, खान पान के तरीके बदल दिए हमारी ये बीमारियां ठीक हो गई, आचरण व्यवहार का तरीका बदल दिया हमारी ये बीमारियां ठीक हो गई। तब तो मेरे समझ में आया कि बीमारियां ठीक करने का जो असली इलाज है वो दवाओं में नहीं है, डॉक्टरों के पास नहीं है, वो भारतीय ज्ञान में है। और वो भारतीय ज्ञान हम तक पहुंचे तो शायद बहुत अच्छा हो। इस दृष्टि से आज मैं आपको छोटे छोटे कुछ सूत्र बताने आया, वो मेरे नहीं है, भारत में हजारों लाखों साल पहले ऋषि मुनियों के बनाए हुए। पिछले कुछ सालों से मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं स्वदेशी ज्ञान देने वाले शास्त्रों पर, उनमें से एक है चिकित्सा का शास्त्र। चिकित्सा का भारत में कोई शास्त्र नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, जो भी शास्त्र है वो जीवन जीने का, आयुर्वेद है ना वो चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, वो जीवन जीने का शास्त्र। कैसे जीवन जिए वो आयुर्वेद सिखाता है, दवाएं क्या खाएं ये आयुर्वेद में सबसे बाद में आता है। आप में से अगर कोई आयुर्वेद के वैद्य यहाँ बैठे होंगे तो उनके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी कि आयुर्वेद में दवाओं का स्थान मात्र 12% है। अगर 100% पूरा हम माने तो दवाओं का हाल सिर्फ 12% तक सीमित है, उसके आगे खान पान, रहन सहन, रीत व्यवहार, आचार विचार, इन सबसे जुड़ा। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहां से मिले, तो घूम घूम के बड़े बड़े साधु संतों से कुछ लिया, फिर पुराने शास्त्रों को पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुछ इकट्ठा हुआ वो आपको मैं कहने आया। और जो कुछ भी मैं कहूंगा अगर आपके पास कागज पेन है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आयु में तो सबसे आगे होगा, बल में सबसे आगे होगा, दीर्घ जीवी होगा, निरोगी होगा, सुखी होगा, स्वावलंबी होगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा। और इनके जो सूत्र है बागवत ऋषि के, ये सूत्र मुझे ऐसा लगता है अब पढ़ने के बाद कि ये सभी बच्चों को पढ़ाई जाने चाहिए बचपन से कम 7वीं कक्षा से तो ये पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। 7वीं से अगर हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो 12वीं तक आते आते लगभग ये 2000 सूत्र सभी विद्यार्थियों को कंठस्थ हो सकते हैं और वो विद्यार्थी अपना पूरा जीवन निरोगी, निरामय, सुखी बना सकते हैं। और उनका हुआ तो परिवार का हो सकता है, परिवार का हुआ तो देश का होगा। दवाओं में निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। बागवत ऋषि जो सबसे महत्व की बात कहते हैं वो अब मैं यहां से शुरू करता हूं। वो ये कहते हैं कि मनुष्य जहां रहता है वहां की प्रकृति, पर्यावरण और वातावरण का ध्यान उसे हमेशा रखना चाहिए। जहां भी रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत में धमतरी में रहते हैं, धमतरी का पर्यावरण, वातावरण और प्रकृति हमें याद रखनी चाहिए हमेशा। तो धमतरी कैसा है? धमतरी समशीतोष्ण, समशीतोष्ण का मतलब ना तो यहां बहुत ठंड होगी ना यहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी। बहुत ज्यादा गर्मी माने अफ्रीका जैसी गर्मी नहीं होगी, बहुत ज्यादा ठंड माने अमरीका और कनाडा जैसी बर्फ नहीं गिरेगी और बारिश भी ब्राजील जैसी नहीं होगी,
और कीचड़ और दलदल भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसा नहीं होगा, समशीतोष्ण है, बराबर है, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, थोड़ी बारिश थोड़ी खुश्क सर्दी थोड़ी खुश्क गर्मी, ऐसा करके सब तरह का मौसम। ये लगभग भारत में 680 जिलों में है, जो धमतरी का मौसम है वो 680 जिलों में, तो 680 जिलों तक ये सब बात एक ही तरह से लागू होती है। तो भागवत ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जहाँ है वहां की प्रकृति पर्यावरण और वातावरण को ध्यान में रखकर उसको अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए, छोटे फैसले हो या बड़े, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना, ये सब छोटे छोटे फैसले से लेकर बड़े बड़े फैसले तक सब उसको प्रकृति पर्यावरण वातावरण को ध्यान में रख के लेने चाहिए। हमारी प्रकृति पर्यावरण वातावरण को हम ध्यान में रख के अपने जीवन को चलाएं तो क्या चलाएं कैसे चलाएं, उसके बारे में भागवत कहते हैं कि अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग सूत्र उन्होंने लिखे। ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सूत्र है, बहुत ठंड वाले क्षेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सूत्र है। माने भारत में उत्तरांचल में रहने वाले आदमी को वो सूत्र लागू नहीं पड़ता जो आपको पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में जो रहेगा उसको वो लागू नहीं पड़ेगा जो आपको पड़ेगा। जम्मू कश्मीर उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर उत्तरांचल के आसपास के एरिया में रहने वालों के लिए अलग है, आपको रहने का है जहां पर आपके लिए अलग है। तो अभी मैं जितनी बात करूंगा वो आपके हिसाब से करूंगा, आपके लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके लिए भागवत ऋषि छोटी 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 बातें बताते हैं, बहुत सरल सरल है। आप चाहें तो याद कर लें, नहीं तो कॉपी पेन के लिख लें और रोज उसको पढ़ते रहे। जैसे कभी आप रामचरित मानस पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, ऐसे ही छोटे छोटे सूत्र पढ़ते हो, छोटे छोटे सूत्र। उनमें से पहला सूत्र भागवत ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी जीवन शैली में ये रखना चाहिए कि हर काम उनको नियम से करना पड़ेगा, बिना नियम कुछ नहीं चलेगा। वो ये कहते हैं कि जो ठंड वाले हैं वो कुछ नियमों की छूट छाट ले सकते हैं, जो बहुत बारिश वाले इलाके में रहते हैं उनको भी कुछ नियम की छूट छाट मिल सकती है, लेकिन समशीतोष्ण वालों को हर चीज का हिसाब किताब रखना है, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल। तो आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, दौड़ने का, हर चीज का हिसाब किताब करना है। और जो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, सुबह से शाम तक की जो जिंदगी है इसमें आ जाए, तो वो बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। और अगर उसके हिसाब से आप आचरण करना शुरू कर दें तो वो मानते हैं और कहते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा निरोगी रहे, रोग मुक्त रहे। अब वो कहते हैं कि ये जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको सोने उठने बैठने खाने पीने हर चीज का ध्यान रखना है। तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूं और स्वास्थ्य उसमें आता चला जाएगा, वो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। खाने पीने से शुरू करता हूं और अंत करूंगा सोने उठने बैठने से चलने फिरने से। खाने पीने के बारे में भागवत कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान अपने पेट पर रखना है, क्योंकि पचन शक्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। आपकी जो पाचन शक्ति है ना वो सर्वश्रेष्ठ सामान्य रूप से नहीं होगी, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। और वही भागवत बोलते हैं कि दूसरे कुछ क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं जिनकी पचन शक्ति सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ होगी, बिना प्रयास के भी मिल जाएगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपकी पचन शक्ति सबसे अच्छी हो, ये वो बहुत जोर दे के कहते हैं भागवत। भागवत कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वालों को पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए,
अगर उनकी पाचन शक्ति अच्छी है तो उनका जीवन सुखी है। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारी पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ हो, उसके लिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, भोजनान्ते विषम वायु। इसका अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। जो लोग समशीतोष्ण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, हमारे लिए, हम जहां रहते हैं। हम अगर खाना खाने के बाद पानी पिए तो बागवत ऋषि बोलते हैं कि हमने जहर पी लिया। इतने कड़े शब्द में वो कह रहे हैं इस बात को। क्यों? वो एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है वो ये कि जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं वो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं उनका पाचन भी तुरंत शुरू हो जाता है, और खाने का पाचन करने के लिए उनके शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है, जैसे रसोई घर में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पकाने के लिए, वैसे ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पचाने के लिए। बहुत सुंदर उदाहरण वो दे रहे हैं इसके लिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे रसोई घर में दूध है और चावल भी है लेकिन अग्नि नहीं है, तो क्या करें? दूध चावल को मिला दो, अग्नि नहीं है तो खीर कभी भी नहीं बनेगी। हमारे पास चावल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो चावल कभी भी भात नहीं बनेगा। हमारे पास दाल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। भाजी अच्छे से अच्छी है, मसाला और भी अच्छा है, अग्नि नहीं है तो भाजी नहीं पकेगी। ऐसे बीसियों उदाहरण में आपको दे सकता हूं। तो वो ये कहते हैं कि जैसे रसोई में अग्नि का महत्व है ऐसे ही पेट में भी अग्नि का महत्व है। पेट में अग्नि है तो भोजन ठीक से पचेगा, नहीं है तो नहीं पचेगा। और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सकेंगे उनको जीवन में 108 रोग आने ही वाले हैं, कितना भी वो बचाव करे। क्यों आने वाले हैं? तो वो कहते हैं कि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल और मूत्र बनेगा। मल मूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर निकल जाएगा, मांस मज्जा रक्त वीर शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारण करेगा, और ये मांस मज्जा रक्त वीर ही है जो शरीर को चलाएगा। बात समझ में आती है और सीधी सी है। आपको अग्नि की जरूरत है, जैसे रसोई में वैसे पेट में, तो अग्नि चाहिए। खाना खाते ही अग्नि जल जाती है, ये ऑटोमेटिक है। आपने भोजन शुरू किया, अग्नि प्रदीप्त हो गई। अब ये अग्नि तब तक जलती है जब तक कि भोजन का रस नहीं बन जाता, और भोजन का रस बनने में लगभग सामान्य रूप से 1 घंटा लगता है। रस बनकर आगे जब भोजन पचता है उसमें 4 घंटे लग जाते हैं, रस बनने में 1 घंटा लगता है। तो बागभट्ट ऋषि का कथन है कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? रस बनाने के लिए अग्नि जल रही है, आपने गड़गड़ गड़गड़ पानी पी लिया, अग्नि शांत हो जाएगी, रस बनेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। और बागभट्ट कहते हैं कि सड़ा हुआ भोजन 108 रोग पैदा करेगा। कौन कौन से रोग पैदा करेगा? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस बनना, जलन होना, हड्डी रखारे आना, मुंह में से पानी आना, ये सब। और ये तो छोटे छोटे हैं, और अंत में खतरनाक से खतरनाक रोग, पेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, वहां तक 108 रोग। तो इसलिए आप जहां रहते हैं उस इलाके में खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना। तो आप पाचन पर ध्यान दीजिए, माने पेट पर ध्यान दीजिए। तो उसका पहला सूत्र है खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। चलेगा? नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं कि हम तो घटाघट घटाघट लोटा भर जब तक पी नहीं लेते
चैन ही नहीं मिलता, शांति ही नहीं होती। आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद लोटा भर के पानी पी रहे हैं तो मत पीजिए, बंद कर दीजिए, इस आदत को बदल दीजिए। फिर कई लोग कहते हैं कि अगर खाने के बाद पानी नहीं पिए तो गला साफ नहीं होता, तो उसके लिए विकल्प क्या विकल्प है? तो वो कहते हैं कि पानी छोड़कर कोई भी ऐसा तरल पदार्थ पीजिए जो अग्नि में मदद करे। विज्ञान की भाषा में इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, ये हम विज्ञान की भाषा में, आधुनिक विज्ञान में कह सकते हैं। भागवत उसको कहते हैं कि फेट में जठर अग्नि है, जठर में अग्नि प्रदीप्त हो। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी लो जो अग्नि को और ज्यादा बढ़ाए, शांत ना करे। तो अग्नि बढ़ाने वाली क्या क्या चीजें हैं? तो वो कहते हैं सबसे अच्छा है दही का मट्ठा, फिर दूसरा कहते हैं दूध, और तीसरा उन्होंने बताया है कोई भी फल का रस, खासकर खट्टे फलों का रस, जैसे संतरे का रस, मौसमी का रस, अंगूर का रस, टमाटर का रस, ये सब जो खट्टे रस हैं, नींबू का रस, आंवले का रस, अनन्नास का रस, ये जो खट्टे रस हैं, ये अग्नि को और प्रदीप्त करते हैं। तो चरक ऋषि बोलते हैं कि भोजन के बाद या तो कोई रस पियो, गन्ने का पी लो, संतरे का पी लो, मौसमी का पी लो, आम का पी लो, अनार का पी लो, अंगूर का रस पी लो, कोई रस पियो खाना खाने के बाद, या तो मट्ठा पी लो और नहीं तो दूध पी लो। अब दूध कब पीना है, मट्ठा कब पीना है और रस कब पीना, इसकी भी बात उन्होंने बताई। मैंने आपसे कहा ना बहुत माइक्रो लेवल पर ले सब। वो ये कहते हैं कि सुबह का भोजन किया है तो रस पी लो, दोपहर का भोजन किया है तो मट्ठा पी लो, और रात का भोजन किया है तो दूध पी लो। और वो इतनी सख्ती से अगला वाक्य बोलते हैं कि ये तीन जो ऑर्डर हैं, रस सुबह पीना, मट्ठा दोपहर को पीना, दूध शाम को पीना, इसमें इंटरचेंजिंग नहीं चलेगी। दूध सुबह पी लिया, मट्ठा रात को पी लिया, जूस दोपहर को पी लिया, वो कहते हैं सत्यानाश। इतना छोटे लेवल पर वो बोल रहे हैं, इतना माइक्रो है, इतना डीप है। रस पीना है तो सुबह ही पीना, मट्ठा पीना है तो दोपहर को ही पीना, और दूध पीना है तो रात को ही पीना। तो आप खाना खाने के बाद ये तीन चीजें पी सकते हैं, जूस पी लीजिए, मट्ठा पी लीजिए, दूध पी लीजिए, पानी मत पीजिए। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि जूस में भी तो पानी है और मट्ठे में तो पानी ही पानी है, दही तो छोड़ गए, और दूध में तो आप जानते हैं 90% से ज्यादा पानी ही होता है। तो चरक ऋषि अद्भुत है, वो सॉरी भागवत अद्भुत है, पानी मत पियो ऐसा बोलते हैं और जूस पियो ऐसा बोलते हैं। जूस में पानी है, मट्ठे में पानी है, दूध में पानी है। तो इसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया है, और ये उत्तर आपको समझ में आ जाए तो मैं एक फिल्म के गाने का उदाहरण देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। हमारे देश में कोई फिल्म बनी थी, नाम नहीं याद है, उसमें एक गाना था पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कौन सी फिल्म, शोर। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो उत्तर है जिसमें मिला हो उस जैसा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, पानी का अपना कोई गुण नहीं है, पानी का अपना कोई तत्व नहीं है, वो जिसमें मिला लो वैसे ही हो जाता है। तो जूस में पानी जो है ना वो जूस के जैसा, दही में पानी जो है ना दही के जैसा, और दूध में पानी दूध के जैसा, वो पानी नहीं है, दूध में पानी दूध है, मट्ठे में पानी दही है, और जूस में पानी पलीते रस के जैसा। सादा पानी मत पी, दूध में है पानी तो वो पी सकते हैं, मट्ठे में है तो पी सकते हैं, जूस में है तो पी सकते हैं। तो पहला सूत्र हो गया भागवत ऋषि के अनुसार खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, पीने के लिए तीन चीजें हैं, जूस मट्ठा दूध, जूस सवेरे, मट्ठा दोपहर को, दूध शाम को। ये एक छोटा सा सूत्र मैंने डायबिटीज के सैकड़ों मरीजों को कहा कि तुम करो। जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, जिनको किसी को
भयंकर डायबिटीज 10 साल से 12 साल से, और वो कहते हैं जी कंट्रोल भी नहीं आती, 3-3 बार इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के फिर भी नहीं आती। उनको ये एक सूत्र मैंने बताया कि कर लो, मुफ्त में है, भागवत ऋषि का इसमें कोई कॉपी राइट नहीं है, फुकट में तुमको दे रहे हैं, खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, कर लो, इसमें बुरा ही क्या। तो जिसने भी किया है, 4-5 महीने के बाद हरेल ने मुझे फोन किया, राजी भाई काम बहुत आता है इसे। कोई बोलता है कि मेरी शुगर 400 यूनिट के ऊपर कभी नीचे रहती ही नहीं थी, और ये एक सूत्र पालन किया है तो 170 तक आ गई है बिना किसी दवा की मदद के। सिर्फ इतना ही किया है कि भोजन के बाद पानी नहीं पिया है, सुबह भोजन किया है तो जूस पिया है, दोपहर को भोजन किया तो मट्ठा पिया, रात को किया तो दूध पिया। और ये डायबिटीज वाले अकेले नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को बताया जिनको गैस बनती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, वो कहते हैं कि 1-1.5 महीने में एसिडिटी ही खत्म हो गई बिना कोई दवा के, बस इतना सूत्र अपने जीवन में लाया है। तो आप भी ले आओ, अच्छा सूत्र है, खर्चा कुछ भी नहीं, मुफ्त का, बस इसमें आदत बदलनी है। आदत बदलने से बदल जाती है। शरीर के बारे में भागवत ऋषि कहते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप जैसा चाहो वैसा हो सकता, आप बदल दो आदत बदल जाएगी, कल से शुरू कर दो। फिर आगे का एक छोटा सा नियम है, वो नियम तो नहीं है लेकिन उप नियम है, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को खाना खाते समय पानी की जरूरत है वो क्या करें, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाए तो पानी की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि जिसके जितने दांत उतनी बार चबाए। हाँ, ये याद रखने में बहुत ही आसान है, मुझे मालूम है कि मेरे दांत 28 है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, किसी को 30 है, किसी को 32 है, किसी को 26 है। तो चरक सॉरी भागवत ऋषि कहते हैं कि जितने दांत उतनी बार चबाओ, तो 30 दांत है तो 30 बार चबाओ, 28 है तो 28 बार चबाओ। तो वो कहते हैं कि दांत के हिसाब से चबाओगे तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मुंह में जो पानी बन रहा है जिसको आप लार कहते हैं, चबाएंगे ज्यादा तो ये खुद ही इतना ज्यादा बनेगा कि खाना अपने आप नीचे उतर जाएगा, पानी की जरूरत नहीं। तो मुख्य नियम है भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, और उप नियम है भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाना। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, तुरंत आपके ख्याल में आएगा। भागवत ऋषि ने ये जो सूत्र दिया इसका पालन मनुष्य को छोड़कर सब जीव करते, मनुष्य छोड़कर। गाय को देखा, गाय को सुबह खाना खाएगी, पानी कभी भी दोपहर को पिएगी, देखा, कभी भी गाय खाना खाते ही पानी नहीं पिएगी। भैंस को भी ये नियम मालूम है, भैंस भी सुबह खाना खाएगी, पानी दोपहर को पिएगी। ये मूर्ख मनुष्य को नहीं मालूम, भैंस से भी गया देता है ये आदमी, गाली जानवरों को देता है और जानवरों से ज्यादा मूर्ख। कभी आपने सुना गाय को डायबिटीज हो गया, या भैंस को अर्थराइटिस हो गया, या बैल को कंधे का दर्द हो गया? 2-3 टन माल रोज लाता है ले जाता है फिर भी कंधे का दर्द नहीं होता। हम अपना वजन शरीर पर ले जाते हैं तो हमारे कंधे सरक जाते हैं। तो ये गाय बैल भैंस हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। पक्षियों को आप देखो, सुबह सुबह दाना चुगेंगे, पानी दोपहर को ही पिएंगे। तो हर पक्षी और पशु पानी और खाने के बीच में 4 घंटे का अंतर रखता है। भागवत कहते हैं कि वो मनुष्य से ज्यादा होशियार है, हमको ये समझने की जरूरत है। और अगर हमने ये समझ लिया तो पक्षी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ। तो कल से आप ये शुरू कर दो, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने को इतना धीरे चबा चबा के खाना कि वो पानी की तरह से नीचे उतर जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो अभी तुरंत आप पूछो, इस बात को समझ में नहीं आई तो तुरंत पूछो। हाँ, जूस से ज्यादा फल खा सकते, बिल्कुल खा सकते, जरूर खा सकते, रसीले फल खा सकते, पानी के
लेकिन सुबह ये ध्यान रखें, जितने भी रसीले फल हैं उनके खाने का समय सुबह है, जितने भी ठोस फल हैं उनके खाने का समय दोपहर है। रसीले फल सुबह, ठोस दोपहर। आप सबको समझ में आ गया? आपको भी? आगे बढ़ूं, दूसरा सूत्र बहुत अच्छा, दूसरा सूत्र और भी अच्छा। वो ये कहते हैं कि पानी आप पीते हैं, भोजन के बाद पीजिए, कम से कम एक घंटे बाद पीजिए, लेकिन पानी पीजिए कैसे? खाना जैसे खाना है चबा चबा के, तो पानी कैसे पीना है? तो चरक ऋषि कहते हैं पानी ऐसे ही पीजिए जैसे चिड़िया पीती है, कुत्ता पीता है, चाट चाट के पानी पीता, चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। तो मनुष्य के लिए वो कहते हैं पानी सिप करके पीना, घूट घूट पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना। ये अभी हम मुंह से लोटा लगाते गट 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 गट, ये बहुत गलत तरीका है। गिलास लगाते हैं खाली तभी होता है जब छूटता, ये गलत तरीका है। पानी ऐसे पीना चाहिए एक एक घूट एक एक सिप, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीने की आदत डालिए। क्यों? उसका कारण वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुंह में जो लार बनती है ना, ये शरीर की सबसे अच्छी औषधि है। और आप ये जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बड़ी से बड़ी चोट को चाट चाट के ठीक कर देते हैं, क्योंकि उस स्लाइवा में मेडिसिन है। तो मनुष्य के स्लाइवा में भी मेडिसिन। और भागवत का ये कथन है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ये लार है जो वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखती है। तीनों को एक साथ संतुलन रखने की ताकत इस लार में है। और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रहेगा, और वात पित्त कफ के असंतुलन से रोग आता है। अगर ये तीनों संतुलित है तो रोग क्यों आएगा आपको? निरोगी हो जाए तो घूट घूट भर के पानी पी, ये दूसरा नहीं कर सकते, कोई मुश्किल नहीं, बस आदत बदलनी। तीसरा नियम, तीसरा नियम वो कहते हैं कि भारत में जहां आप रहते हैं प्रकृति और वातावरण के हिसाब से पानी का तापमान तय करिए। आपकी प्रकृति और वातावरण मैंने आपसे कहा समशीतोष्ण है, तो पानी का तापमान भी वैसा ही होना चाहिए। माने आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, माने फ्रिज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते, बर्फ में डाला हुआ पानी आप नहीं पी सकते, ये आपके लिए वर्जित है। तो आज से ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए, फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए, बर्फ डाला हुआ बंद कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो क्या होगा ये भी उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा? तो वो ये कहते हैं कि उनको सबसे खराब एक रोग होगा मलबद्धता। मलबद्धता माने कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी आंखों से देखा है, रोज में देखता हूं। इस बार जो लोग ठंडा पानी पीते ना, चिल्ड वाटर फ्रिज में रखा ऊपर से बर्फ डाल के पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं तो एक एक घंटे तक बाहर नहीं आते। उनको पूछो क्या करते हो एक घंटे, तो कहते हैं न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? पेट साफ नहीं होता इसलिए पढ़ते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार जोर लगाना पड़ता है फिर भी नहीं होता। गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रागी कभी आएगी, आती नहीं। फिर थक हार के एक बार आ जा, वो भी नहीं आती। तो भागवत ऋषि बहुत स्पष्ट कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र के लोग फ्रिज का पानी पिए, बर्फ डाला हुआ पानी पिए तो मलबद्धता होगी। मलबद्धता होने से 103 रोग आएंगे और जिंदगी भर आप उन्हीं रोगों से लड़ते हुए मर जाएंगे। इसलिए पानी ठंडा मत पीजिए। तो फिर आप बोलेंगे कि कैसा पानी पिए? जितना टेम्परेचर है वैसा पानी पिए,
आपका टेम्परेचर सामान्य रूप से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी टेम्परेचर का पानी पिए। माने इसको सरल भाषा में कहें, हल्का गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, कोसा पानी पिए, कोमट पानी पिए, ये है सरल बात। कर सकते, फ्रिज बंद कर दीजिए। मटकी का, हाँ मटकी के पानी का उन्होंने बोला है कि जब बहुत गर्मी है, तापमान 40 डिग्री के ऊपर निकल रहा है, तो आप मटकी का पानी पी सकते हैं। तो ये तो 3 महीने ही होगा, मई जून, बहुत अधिक होगा तो अप्रैल, तो अप्रैल मई जून में मटकी का पी लीजिए, बाकी दिनों में कोसा पानी, कुंभट पानी, हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी ही पीजिए। हो जाएगा पालन, नहीं होगा तो मैंने बता दिया, टॉयलेट रूम में 1-1 घंटे तक ही। एक बार मुंबई में एक फैमिली में गया तो मैंने उनको पूछा, आपने ये कमोड सीट क्यों बनाया, ये तो यूरोप वाले बनाते, आपने कमोड सीट क्यों बनाया टॉयलेट में, हिंदुस्तानी पद्धति का क्यों नहीं बनाया। उनका राजीव भाई बात ऐसी है, हिंदुस्तानी पद्धति में 5 मिनट बैठ सकते, हमको 1 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए इसको सीट रूप में बना लिया, आराम से बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, 1-1 घंटे निकल जाते। तो ये कमोड सीट बनाना कोई होशियारी की बात नहीं है, मजबूरी का खेल है। और भागवत ऋषि ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है, इसको आप हमेशा याद रखिए, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ कौन है। तो ऐसे तो वो कहते हैं जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, लेकिन ये तो वो कहते हैं एक ऐसी परिभाषा है जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आई है, स्व में स्थित होना। एक सरल परिभाषा उन्होंने दी है, वो संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी करके बोलता हूं, वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संडास घर में टॉयलेट में जितना कम समय लगता है वो उतने ही ज्यादा स्वस्थ है। इसको समझिए आप, टॉयलेट रूम में संडास घर में जितना कम समय जिसको लगेगा वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। कोई 10 मिनट में बाहर आ जाता है, कोई 15 मिनट में आएगा तो 10 मिनट वाला ज्यादा स्वस्थ है, कोई 5 ही मिनट में बाहर आ जाए तो 10 मिनट वाले से ज्यादा स्वस्थ है, और कोई घुसते ही बाहर आ जाए तो वो सबसे ज्यादा। ये बात आप कभी भूलना नहीं, इसको आप बिल्कुल दिमाग में कहीं फिक्स कर दो, अपने ब्रेन के कंप्यूटर में डाल दो कि टॉयलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। तो आप कोशिश करते रहो कि आपका टॉयलेट रूम का समय कम होता चला जाए। तो ये तभी संभव है जब पानी आप गुनगुना पिए, कोसा पिए, घूट घूट भर के पिए, भोजन के बाद ना पीकर 1 घंटे बाद पिए। ये सब उपाय जो आपको अंत में लेकर जाएंगे कि टॉयलेट रूम का टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आप स्वस्थ होते चले जाए। तो 3 सूत्र हुए। चौथा सूत्र है, वो ये कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिन की शुरुआत कैसे करना। दिन शुरू हुआ तो वो बोलते हैं पानी से दिन की शुरुआत करें, पानी से। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज शरीर में कोई जाए तो वो पानी ही होना चाहिए। अब हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उठते ही सबसे पहले चाय जाती है, और कई लोग तो ऐसे हैं लोटा भर भर के पीते हैं चाय, कॉफी, चाय, कुछ लोगों को बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोगों को तंबाकू, ये सबसे पहले अंदर जाती है उठते ही। भागवत ऋषि कहते हैं कि उठते ही अगर कुछ अंदर जाना है तो पानी जाना चाहिए, माने पानी से दिन की शुरुआत करें। और इसको उन्होंने एक दूसरे सूत्र में लिखा है, उषा पान करिए, सुबह उठते ही पानी पीजिए। अब आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ हमारी सीमा है, तो वो सीमा को तोड़कर बाद में पानी, माने जहां तक आपकी सीमा है वहां तक धर्म पालन करिए, वो धर्म की विज्ञान ही है। और अगर सीमा टूटती है और आप कुछ खाने जा रहे हैं तो पहले पानी पीजिए, बाद में कुछ भी खाइए।
और इसी का छोटा भाई है, एक सब गुरु है, वो ये कहते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करिए और रात्रि का अंत दूध से करिए। माने रात में अब कुछ खाना नहीं है, आखिरी चीज जो आप खा रहे हैं तो वो दूध ही होनी चाहिए, और सुबह जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना चाहिए। तो रात को सोते समय दूध, सुबह उठते समय पानी, ये है नियम चौथा। और वो ये कहते हैं आगे दूध पीने के साथ, वो ये कहते हैं कि दूध अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि उसमें कभी भी मीठी चीज मिला के पीने की जरूरत नहीं। माने शक्कर मत मिलाइए, गुड़ मत मिलाइए, खांड मत मिलाइए, बूरा मत मिलाइए, कुछ मत मिलाइए, दूध जैसा है वैसा ही पीते जाइए। लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि दूध पीना है तो गाय का ही, गौ गौ शब्द का इस्तेमाल किया, भैंस के दूध के लिए नहीं कहा। और ये हमें दिखाई दे रहा है जब से इस देश में भैंस का दूध पीना शुरू किया है लोग भैंस जैसे ही हो रहे हैं। आप देखो भैंस कैसी है, सड़क में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस हटती वहीं खड़ी है, अकल नहीं हटे कैसे। भैंस कीचड़ में घुस जाएगी और घुस गई तो बाहर नहीं आएगी, मारोगे डंडा फिर भी नहीं आएगी। और भैंस का बच्चा जो भैंस का दूध पीता है, आप जानते हैं जन्म लेते ही गिर जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, और चार पांच दिन तो हिलता भी नहीं है, इतना आलसी है कि पड़ा रहता, उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता। और गाय का बच्चा देख लो, गाय का दूध पीता है, जन्म लेने के आधे घंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है, और अगले आधे घंटे में तो जंपिंग शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है, और दो घंटे के बाद तो आप पकड़ नहीं सकते, इतना दौड़ जाता है। क्यों? गाय का दूध पीता है। तो गाय के दूध में चुस्ती फुर्ती है, भैंस के दूध में आलस्य है। और भैंस का दूध हमने पिया है, हमारे पुरखों ने किसी ने नहीं पिया, भगवान कृष्ण ने कभी भैंस का दूध नहीं पिया, राम जी ने भी कभी भैंस का दूध नहीं पिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कृष्ण भगवान तो 7 लाख गाय पालते थे, एक भैंस को रख ही सकते थे। जो व्यक्ति 7 लाख गाय का पालन कर सकता वो एक भैंस को पाल ही सकता था, एक भी भैंस नहीं रखी, क्योंकि वो जानते थे भैंस कैसे। राम जी ने भी कभी भैंस नहीं रखी, दत्त भगवान के पास कभी भैंस नहीं थी, शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं पाली, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। हाँ, तो जाना है अगर यमराज के पास तो खूब भैंस का दूध पियो, मुझे कोई तकलीफ नहीं आपकी। और ये बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं, सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये मानते हैं और रिसर्च भी हो गई है कि भैंस का दूध पियो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो हृदय घात लाता है, और हृदय घात आएगा तो यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। तो भैंस का दूध पीने के लिए नहीं बोला, बागवत ऋषि ने कहा है गाय का दूध पियो। तो दूध कभी भी पीना है तो गाय का ही। कई लोग मुझे ऐसे मिले, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा राजू भाई हम सुबह पानी पीते हैं, रात को दूध पीते हैं, फिर भी हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं पूछ लेता हूँ दूध किसका पीते, तो कहते भैंस का पीते, तो उनका होगा नहीं, बानभट्ट खुद बोलते नहीं होने वाला, दूध गाय का ही चाहिए। तो गाय का दूध पीजिए रात को सोते समय, जब भी आपका सोने का समय है। पर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते, तो जब भोजन का आखिरी चरण है तभी दूध पी लीजिए, उसके बाद कुछ पीने का नहीं है, सो जाने का है। तो 4 सूत्र हो गए। पहला सूत्र रिपीट करता हूं, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 1 घंटे बाद पीना। दूसरा सूत्र है भोजन को चबा चबा के खाना, इतना चबाना कि पानी की जरूरत ना पड़े। तीसरा सूत्र है कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी हमेशा हल्का गर्म गुनगुना पीना है। चौथा सूत्र है पानी घूट घूट करके पीना है, घंटे घंटे नहीं पीना है। पांचवा सूत्र है दिन की शुरुआत पानी से करनी है, माने ऊषा पानी करना, जब भी आप सोकर उठें और पहली चीज मुंह में जाए तो वो पानी ही जाए।
कितना? अब आपके मन में प्रश्न आएगा जी कितना? तो चरक ऋषि सॉरी बाणभट्ट ने कहा है कि आपके वजन के हिसाब से पानी की मात्रा तय करिए। वजन कितना है उसके हिसाब से पानी की मात्रा तय करिए। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पानी की मात्रा है। किसी का वजन अगर 70 किलो है मान लीजिए, तो उसको कम से कम 5 लीटर पानी की बात कही जाएगी। किसी का 60 किलो है तो कम से कम 4 लीटर पानी, 50 किलो है कम से कम 3 लीटर पानी। सुबह नहीं पूरे दिन में, सुबह नहीं पूरे दिन में। मैं जो बात कर रहा हूं कितना पानी पीना है वो पूरे दिन में। सुबह सुबह तो पी नहीं पाएंगे 4 लीटर 5 लीटर, पूरे दिन में। तो आपका अगर 70 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी पक्का कर लीजिए एक दिन में। 60 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 50 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 3 लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी को नहीं पीना, क्योंकि वो बोलते हैं कि 50 किलो से अगर कम वजन है तो वो बीमार है, वो बोलते हैं कि अस्वस्थ है, उसको वजन बढ़ाने का कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। तो 3, 4, 5 लीटर की कैटेगरी है। अगर कोई बोलेगा 80 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, 100 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें। पीने का तरीका सिर्फ करके पानी की मात्रा वजन के हिसाब से और हल्का गर्म पानी है। अब इसमें से सुबह इतना पीना है, ये बात उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है कि जो कुल पानी आप पी रहे हैं उसका 1/3 सवेरे पी लीजिए। 1/3 सुबह का प्रहर, वो बोलते हैं कि सुबह का प्रहर, सुबह का प्रहर शुरू हो जाता है 4 बजे से लेके सूर्योदय तक, तो उतने बीच में 1/3 माने आप 3 लीटर कुल पानी पीने वाले हैं तो 1 लीटर सुबह ही पी लीजिए। 4 लीटर पीने वाले हैं तो 1.25 लीटर सुबह पी लीजिए। 5 लीटर पीने वाले हैं, 6 लीटर पीने वाले हैं, 1.5 लीटर सुबह पी लीजिए। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ करके पीते जाएंगे तो तकलीफ नहीं आएगी, घटकर पिएंगे तो पेट फूल जाएगा। तो धीरे धीरे पीना, सिप करके पी। और उनका ये एक छोटा सा सूत्र मैंने बहुत लोगों को अजमाया, ऐसे अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति पर अजमाया। एक मेरा अपना ही दोस्त है, वो अमेरिका चला गया था पढ़ाई करके, अमेरिका में एक कंपनी में काम करता था। अभी उसका वजन बढ़ गया, 170 किलो हो गया, इतना वजन बढ़ गया। तो बेचारा अमेरिका से वापस आ गया क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया। अब दूसरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मिले तो रहना बड़ा मुश्किल है। तो वो वापस आ गया, अभी बेंगलोर में रहता है। तो यहां आने के बाद उसने बहुत सारे प्रयास किए, जिमनेजियम में गया, एरोबिक्स करना शुरू किया, योग प्राणायाम सब कुछ उसने कर लिया। 3 साल के बाद भी वैसे का वैसे। फिर उसने कहा, यार राजीव भाई कुछ रास्ता बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, भाई मेरे पास तो कुछ नया रास्ता नहीं है, बाणभट्ट ऋषि के कुछ सूत्र हैं, अगर कर सको तो पालन कर लो। कहने का क्या सूत्र? मैंने कहा, भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी हमेशा भूख भर भर के पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, कभी भी सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पियो, ये कुछ सूत्र है, चाहो तो पालन कर लो। उसने कर लिया पालन। आज उसको 1 साल और 7 महीने हो गए, 1 साल और 7 महीने में उसका वजन अब मात्र 70 किलो है। 170 किलो से 70 किलो है, सिर्फ ये सूत्र का पालन करने से। और मजे की बात ये है, वो खुद कहता है कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, फ्रेशनेस है पहले से। सिर्फ करके पानी पीने लगा, पानी भोजन के 1.5 घंटे के बाद हल्का गुनगुना पानी, सुबह उठते ही पानी, वजन अपने आप उसका कम हो गया। तो मैंने एक वैद्य जी को पूछा कि अब उसका 70 किलो आ गया है, आगे क्या होगा? तुम तो चिंता मत करो, इसके आगे कम नहीं होगा, घबराने की बात कम। तो मैंने कहा, बाणभट्ट ऋषि ने इसके लिए कुछ बोला? उन्होंने कहा, हाँ बोला। और वो बोलते हैं कि पानी जो है जब शरीर में सिमेट्री आ जाती है, समानुपात आ जाता है, उसके बाद वजन करना कम बंद कर देता। अब समानुपात आ गया, समानुपात क्या आ गया? ऊंचाई के हिसाब से वजन आ गया,
जितनी उसकी ऊंचाई उतना वजन होना चाहिए। अब उसके बाद वो कितना भी ये करता रहे, अब इसके नीचे वजन नहीं जाएगा। कितनी अच्छी चीज है, आप सोचिए। हम कितनी दवाएं खाते हैं वजन कम करने के लिए, कई बार वजन कम हो भी जाता है फिर दोबारा बढ़ जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है दवाई खाके वजन कम किया, वजन फिर पहले से ज्यादा बढ़ गया। उपवास करके वजन कम हुआ, कई बार उससे ज्यादा हो गया। लेकिन ये चरक ऋषि सॉरी बाघमट्ट का सूत्र इतना अद्भुत है कि जितना चाहिए वहीं पर लाके शरीर को छोड़ देता है। तो आप कल से शुरू कर दो, आपको कोई एक्सरसाइज होती है नहीं होती सेकेंडरी है, उपवास होता है नहीं होता सेकेंडरी है, योग प्राणायाम कर सकते हैं नहीं कर सकते सेकेंडरी है, आप कहीं जा सकते हैं घूमने टहलने सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है चार सूत्र। भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी घूट घूट करके पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, सुबह की शुरुआत पानी से करो। और आप शुरू कर दो कल से, आप में से जिसको भी लगता है कि मेरा वजन ज्यादा है 4 महीने के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉल करना, नहीं तो 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिखना। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोन पर बोला हो राजीव भाई मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा आज तक एक भी आदमी ने बोला है। ये हमारे खान पान में स्वास्थ्य घुसा हुआ है, कैसे ये कुछ हुआ है इसके आगे की एक दो बात और सुन। ये चार तो बहुत महत्व के सूत्र हैं, इनके साथ जुड़े हुए 2-3 सूत्र और भी हैं। वो ये कहते हैं कि जो समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको भोजन अगर करना है तो कभी भी खड़े होकर नहीं करना, स्टैंडिंग पोजीशन में खाना नहीं खाना, माने बुफे सिस्टम वो आपके लिए नहीं है, वो बफेलो के लिए, बुफे सिस्टम बफेलो सिस्टम आपके लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं। बाघमट्ट ऋषि इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खाना हमेशा बैठ के ही खाना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के, नहीं नहीं जैसे आप अभी बैठे हैं ऐसे बैठे, अभी आप बैठे हैं ये सुख आसन है, योग की भाषा में उसको सुख आसन कहते हैं, इसी में बैठ के खाना खाना। इसके बाद अगर कोई दूसरा आसन है खाना खाने के लिए तो बाघमट्ट ने बोला है दोनों पैरों पर बैठ जाना घुटने मोड़कर, जैसे गाय का दूध निकालते हैं उस पोजीशन में बैठ के। दूसरी पद्धति है, सबसे अच्छी ये है जिसमें आप अभी बैठे हुए, दूसरी पद्धति है जैसे गाय का दूध निकालते समय हम बैठते हैं, जमीन पर कोई काम करते समय हम घुटनों के बल बैठते हैं, वो पद्धति। इन दोनों में से आपको जो अनुकूल पड़े आप वो ले लो, ये पद्धति शायद ज्यादा अनुकूल है जिसमें आप अभी बैठे, तो आपके घर से डाइनिंग टेबल विदा कर दो। आप कहेंगे ये खरीद लिया है कबाड़ी को बेच दो, बहुत सारे कबाड़ खरीद लेते हैं बेच देना ही अच्छा है उसका। चरक ऋषि ने सॉरी बाघमट्ट ने बोला है कि जो लोग ठंड के एरिया में रहते हैं बहुत सर्दी, वहां जमीन पर ना बैठे खाना खाते समय तो चलेगा, माने जम्मू कश्मीर के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठ के खाए तो चलेगा, हिमाचल के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठे तो चलेगा, अमरीका यूरोप वाले अगर मेज कुर्सी में बैठ के खाए तो चलेगा, धमतरी वालों को नहीं चलेगा। तो आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें, कोई दूसरा उपयोग ले लो, नहीं ले सकते तो कबाड़ी को बेचो। खाना खाने के लिए तो उसका उपयोग कभी भी मत करो। इसके आगे का एक और सूत्र बहुत सुंदर है देखो, कि जैसे खाना कभी खड़े होके नहीं खा सकते, बाघमट्ट ऋषि बोलते हैं पानी भी कभी खड़े होके नहीं पिए, पानी बैठते ही कभी भी खड़े होके नहीं पिए। और वो बोलते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी है मजबूरी है तो पानी को पीते समय आप फॉरवर्ड बेंडिंग आगे झुक जाइए, कमर से घुटनों से नहीं कमर से झुकिए आगे फिर पानी पी लीजिए। जैसे हम प्याऊ में पानी पीते ना, प्याऊ होते आगे झुकते हैं फिर पानी पीते हैं, तो वो बोलते हैं ये सेकंड बेस्ट पोजीशन है पानी पीने की, प्याऊ में आगे झुककर पानी पीना, नहीं तो आप जैसे बैठे ऐसे ही पानी पीना। इसके आगे का एक नियम है
कि पानी आपने पी लिया, तरीके मैंने बता दिए कितना पी लिया कैसे पी लिया, ये भी आ गया। अभी उसके आगे का नियम वो ये कहते हैं कि खाना जो खाते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में माने भारत और भारत के कई इलाके, वो ये कहते हैं कि दोपहर का खाना कभी भी खाएं तो उसके 20 मिनट खाने के तुरंत बाद 20 मिनट विश्राम लेना बहुत जरूरी है। दमतली वालों को तो बहुत आवश्यक है, रायपुर वालों को भी आवश्यक है। भारत के 680 जिले दमतली ही जैसे हैं, सबको दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्रांति बहुत आवश्यक है। और वो 20 मिनट विश्रांति की बात कहते हैं तो कहते हैं वामकुक्षी। वामकुक्षी का मतलब ये जो बायां हाथ है ना लेफ्ट, इसकी तरफ लेट जाना, बायां हाथ नीचे रहे दायां हाथ ऊपर हो, लेट जाए 20 मिनट लेते रहे फिर उठ जाए। इस 20 मिनट में नींद आ जाए तो कहते हैं ले लीजिए, उसको रोकिए मत, लेकिन कोशिश करिए कि वो 20 मिनट के आगे ना जाए। हाँ, और ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है 20 मिनट नींद ले लीजिए बहुत अच्छा है, अगर 1 घंटे हो गई है नींद, 2 घंटे हो गई तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पूछें कि दोपहर को खाने के बाद विश्राम ले ही नहीं, तो चरक ऋषि ने 63 डिसीज की लिस्ट बनाई है, ये रोग आ जाएंगे। इसलिए दोपहर को खाने के बाद 20 मिनट विश्राम जरूर लीजिए, स्त्री हो या पुरुष। उन्होंने बोला है कि उम्र थोड़ी आगे है, अगर 60 साल है तो आप 1 घंटे तक विश्राम ले सकते हैं दोपहर को, अगर 60 से 40 के बीच की उम्र है तो 20 मिनट का विश्राम सफिशियंट है, 40 के कम है तो भी 20 मिनट का ही उम्र होगा, ज्यादा देर नहीं सोना, सोना है 20 मिनट। और वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 मिनट सोने की आदत डाल लेते हैं तो ये रात की 3 घंटे की नींद से बराबर कर लेता है, ये समय इतना अच्छा होता है। तो हमारे देश में कई जगह मैंने देखा है एक नियम जैसा है, दोपहर को कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोलते इस देश के, ऐसे सैकड़ों गांव मैंने देखे, वो शायद बाघ भट्ट के पक्के चेले, खाना खाके विश्राम करते ही हैं। और मैंने बड़े बड़े शहरों में देखा, मैं राजकोट जाता हूँ, राजकोट बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, कोई भी व्यक्ति करोड़पति से करोड़पति और रोडपति से रोडपति दोपहर को दुकान पे नहीं दिखेगा, दुकान बंद ही रहेगी, खाना खाके घर में आराम ही करेगा, करोड़ों का बिजनेस छोड़ देगा, वो कहता परवाह नहीं आपको, शरीर ठीक है और बहुत स्वस्थ है। ऐसे बहुत सारे, तो आप भी कल से ध्यान रखिए उस बात का। और इसका एक उल्टा सूत्र है आगे का कि रात को जब भोजन आप करते हैं तो तुरंत विश्रांति नहीं लेना। भागवत ऋषि बोलते हैं कि रात्रि भोजन के बाद 2 घंटे तक विश्रांति नहीं चाहिए, 2 घंटे तक स्वाध्याय करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, संवाद करिए, टहलने चले जाइए। वो कहते हैं 1000 कदम अगर आप पैदल चल रहे तो बहुत ही अच्छा है, विश्रांति 2 घंटे बाद ही हो कम से कम, अधिक से अधिक 3 घंटे बाद, समशीतोष्ण क्षेत्र के लोगों के लिए। तो आप दोपहर को खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति लें, शाम को खाना खाएं तो तुरंत सोने ना जाएं, 2 घंटे तक कुछ दूसरे काम करें। अब आगे का नियम है सोने के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी सोए दोपहर को या रात को तो सिर हमेशा आपका पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा। कभी भी सोए दोपहर को या रात को सिर हमेशा पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा। पूर्व के बाद दूसरी जो दिशा है सोने की वो दक्षिण, या तो पूर्व में सिर करिए नहीं तो दक्षिण में करिए, उत्तर और पश्चिम दोनों को उन्होंने क्रॉस कर दिया। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से मृत्यु जल्दी आएगी, और वो कहते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। बचपन से मैं देखता आ रहा हूं, अब मेरे समझ में आया कि किसी की भी मृत्यु हमारे घर में हुई तुरंत हम उसका सिर उत्तर कर देते हैं, हमारे घर में ऐसा। फिर मैंने देखा पड़ोसी के घर में भी यही हो रहा, पूरे भारत में यही हो रहा, जिसकी भी मृत्यु होती है उसका सिर उत्तर में कर दिया जाता है, क्योंकि उत्तर को मृत्यु की दिशा माना जाता है सोने के लिए। वैसे उत्तर की दिशा बैठने के लिए बहुत अच्छी है, ज्ञान की दिशा है,
बैठना हो तो उत्तर की तरफ मुंह करके जरूर बैठिए, सोना है तो उत्तर की तरफ कभी भी सिर मत करिए, पश्चिम सॉरी या तो पूर्व में करिए या दक्षिण में। तो आज से ही आप अपने बेड का पोजीशन बदल लीजिए, आपके बेड का पोजीशन आइदर ईस्ट और साउथ। और फिर आगे वो बोलते हैं कि सोते समय कोशिश ये करिए कि आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय हो, चंद्र नाड़ी माने लेफ्ट नॉस्ट्रल और सूर्य नाड़ी माने राइट नॉस्ट्रल, तो राइट नॉस्ट्रल कम चले लेफ्ट ज्यादा चले सोते समय इसकी कोशिश करिए। तो भागवत तो बोलते हैं कि नींद बहुत सुखी आएगी, मैंने दीर्घ नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। तो आप इसके लिए क्या करें, सोते समय 2-3 मिनट के लिए राइट नॉस्ट्रल बंद कर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल अपने आप शुरू हो जाएगा और वो शुरू होते ही सो जाएगी। नहीं तो प्रयास पूर्वक बाई नाक से सांस भरिए, बाई नाक से सांस को छोड़िए और सो जाइए, प्रयास करिए। वो ये कहते हैं कि थोड़े दिन आप प्रयास करेंगे, थोड़े दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करने ही नहीं पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे मैंने आपको 12 नियम बता दिए, आगे बताऊं या बंद? मैंने 12 बता दिए, ऐसे 2000 है, आपकी कितनी कैपेसिटी है? मैं अभी बोलता हूं, यहां पे स्टॉप में कर देता हूं, क्योंकि ये नियम अगर आप शुरू करते हैं तो मुझे आगे के बताने में मजा आए, क्योंकि आगे के नियम इससे थोड़े कठिन है, ये थोड़े सरल है, आसान है, इसलिए मैंने पहले बताए हैं। आप इतना शुरू कर दो, 3-4 महीने के बाद मुझे डॉक्टर साहब फोन कर देंगे कि बराबर लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं आ जाऊंगा उसके आगे के कुछ 50 और नियम बताने के लिए। फिर आप उनको शुरू कर दो, फिर 3-4 महीने बाद आ जाऊंगा, 100 नियम और बता जाऊंगा, बता दूंगा पूरे 2000। मुझे छुपा के रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप करें, नहीं करते तो इसको लिखने में भी कोई मजा नहीं। आप उसको कल से ही शुरू करो। और मेरा निवेदन है कि घर के छोटे बच्चों को बचपन से ये संस्कार के रूप में डाल दें तो उनकी जिंदगी तो सुखी हो जाए कम से कम। एक और नियम मुझे याद आ रहा है और जरूरी मानता हूं, इसलिए बता देता हूं। भागवत ऋषि बोलते हैं कि भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ, इसको ध्यान से सुनिए, भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसे कभी भी नहीं खाना। भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसको कभी भी नहीं खाना, वो जहर है। बहुत दिन में सोचता रहा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है रेफ्रिजरेटर का खाना कभी नहीं खाना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जिसको ना तो सूर्य का प्रकाश आता है ना पवन का स्पर्श आता है। फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी मत खाना। तो आप बोलेंगे करना क्या फ्रिज का, पानी भी नहीं पीना फ्रिज का रखा हुआ, खाना भी नहीं खाना, तो करना क्या, कबाड़ी को बेच दो। कबाड़ घर के लिए थोड़ी है, वो कबाड़ी के लिए है, घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है आपने, आप हिसाब कभी लगाओ। मैंने एक दिन मुंबई में आप में से अगर कोई गया हो नेपियन सी रोड एरिया, नेपियन सी रोड बहुत महंगा एरिया आपको मालूम, आजकल वहां 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत, नेपियन सी रोड पर 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 17,000 रुपए हो गई। तो मैं एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति के घर में रुका हुआ था नेपियन सी रोड पर, 17,000 रुपए 1 स्क्वायर फीट। तो कहने लगे राजू भाई आप बोलते हैं तो ये कबाड़ कबाड़, मेरा इतना सुंदर डाइनिंग टेबल है इसको आप कबाड़ बोलते हैं? मैंने कहा जरा हिसाब निकालो ये डाइनिंग टेबल कितना है। तो उन्होंने कहा 20-22 स्क्वायर फीट का है। मैंने पूछा अगर और बड़ा हो, मान लो 50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट का, तो मान लो 100 स्क्वायर फीट का, तो 100 स्क्वायर फीट में आपने ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, 17,000 रुपए स्क्वायर फीट का एरिया है ये नेपियन सी रोड, कितना एरिया आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने, जरा सोचो। और रोज का तो तुरंत उसके दिमाग में आ गया, मैंने कहा फिर निकाल दो। तो बढ़िया आदमी था, ऐसे समझ गया। और मैंने समझाया कि ये डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है खाना खाने के लिए, वो समझ में नहीं आया।
मैंने समझाया कि ये कितने स्क्वायर फीट एरिया को घेर के बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल, ये कितना महंगा पड़ रहा है आपको, तो तुरंत समझ में आया। तो घर में बहुत सारा कबाड़ है जो एरिया घेर के बैठा हुआ है, इसको निकालो ना। हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए, और बन के तैयार हुआ तो स्पेस कवर करना शुरू कर देते हैं। सोफा लाके पटक दिया, डाइनिंग टेबल ले आए, फिर ड्रेसिंग टेबल ले आए, फिर जगह नहीं बचती खाली घूमने के लिए। क्या मूर्खता, घर इसके लिए बनाया था, घर को स्पेस के लिए बनाया, फिर घर में जगह नहीं बचती तो छुट्टियां मनाने होटल में चले जाते हैं, क्योंकि वहां खर्चा थोड़ा स्पेशियस होता है। मूर्खों के मूर्ख, घर बनाया वहां छुट्टी नहीं बिता सकते, अब फाइव स्टार होटल चाहिए छुट्टी बितानी। तो घर में ये जो कबाड़ है, फ्रिज है, डाइनिंग टेबल है, इसको कम कर दो तो ज्यादा अच्छा है। वो बोलते हैं बहुत गहरी बात, बात वेंटिलेशन कि जो व्यक्ति इसका ध्यान रखे, सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श हुआ है वही खाना खाए, जिंदगी भर निरोगी रहे, एक ही सूत्र में वो बोलते हैं। और हम ये करके देख रहे हैं, जिनके घर में फ्रिज का काम नहीं है वो बहुत सुखी है, निरोगी। तो ये कुछ सूत्र मैंने बताए, ये सूत्र का आप पालन करिए, आज से ही करिए। और चलते चलते दो तीन छोटे सूत्र और बता देंगे कि हमारा घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, बागवत ऋषि के कहने के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार नहीं, वो कहते हैं घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रसोई, है किचन। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप इन सूत्रों का पालन करते हुए भी निरोगी नहीं हो सकते तो फिर आपको किचन की मदद लगेगी, निरोगी होगी। वैसे तो आप ये 12-13 सूत्र का पालन करेंगे रोज आपके खत्म हो जाएंगे, नहीं हुए तो रसोई की मदद लगेगी। तो रसोई में क्या है, तो वो कहते हैं रसोई में जो भी कुछ है वो सब औषधि है, मेडिसिन। जैसे धनिया है, जैसे नमक है, दालचीनी है, मेथी का दाना है, हींग है, जीरा है, तुलसी है, अदरक है, ये सब मेडिसिन है। और वो ये कहते हैं कि इन मेडिसिन का ज्ञान अगर हमें है तो हम अपने जीवन को इनकी मदद से भी निरोगी बना सकते हैं। तो वो ज्ञान बागभट्ट से ज्यादा चरक ऋषि ने दिया है। और वो कहते हैं कि इस ज्ञान को लेने के लिए चरक के लिखे हुए सूत्र पढ़ो। तो चरक सूत्र है कुछ छोटे छोटे, दो चार बता देता हूं जो आपके रोज जीवन में काम आते हैं। कि अपने रसोई में 108 दवाएं हैं, ये बात चरक ऋषि ने कहा, मैंने नहीं कहा। फिर एक दिन मैंने मेरी रसोई में हिसाब लगाना शुरू किया तो सच में 108 दवाएं हैं, साधारण से साधारण रसोई में 108 दवाएं हैं। और उनसे गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं, साधारण रोग तो ठीक होते ही है, गंभीर रोग भी ठीक होते। जैसे चरक के अनुसार अपने रसोई में जो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम है दालचीनी, सबसे अच्छी। वैसे तो वो कहते हैं सब दवाएं अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे अच्छी दालचीनी। और चरक ऋषि के अनुसार दालचीनी अकेले 48 रोगों में काम आती है, अकेले दालचीनी 48 रोगों में काम आती है। आप बोलेंगे जी क्या क्या रोग में काम आती है, पित्त के सारे रोग, पित्त का रोग समझते, पेट में जलन होना, गैस बनना, खट्टी डकारे आना, मुंह से पानी आना, खाने का पचना नहीं, गले में जलना, ये सब पित्त के रोग। पित्त के सभी रोगों में दालचीनी अद्भुत है। कैसे लेना, तो वो बोलते हैं कि पाउडर बना लो, उसका पाउडर बना के लेने का है। और वो बोलते हैं कि दालचीनी अकेले कभी भी नहीं खाना, नहीं तो शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है, अकेले कभी भी नहीं खाना। ऐसे जैसे दालचीनी का पाउडर बनाया और हमने लेना शुरू कर दिया पानी के साथ, तो वो बोलते हैं कि इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर शरीर रोज मांगेगा दालचीनी दालचीनी। तो वो कहते हैं कि ये औषधि है, शराब नहीं है, व्यसन नहीं है, तो इसकी आदत ना पड़े कभी भी शरीर को, जितनी जरूरत है उतना उपयोग में आए। तो वो बोलते हैं इसमें थोड़ा गुड़ मिलाना, गुड़, जो लोग गुड़ मिलाना चाहे वो गुड़ मिलाना, और जो गुड़ नहीं मिला सकते वो शहद मिलाना।
आप में से कुछ जैन होंगे तो शहद उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने गुड़ बोला, और जो जैन नहीं है वो शहद उपयोग कर सकते हैं तो उनको शहद बोला। तो या तो शहद मिलाना नहीं तो गुड़। मात्रा कितनी? तो वो बोलते हैं स्तंभ बनाना, एक चम्मच दालचीनी पाउडर तो एक चम्मच शहद, एक चम्मच दालचीनी पाउडर तो एक चम्मच गुड़ मिला लीजिए और उसके साथ उसको लीजिए। समय क्या है? तो वो बोलते हैं कि अगर आप पित्त के रोगी हैं, पित्त की तकलीफें आपको हैं, तो रात का समय अच्छा। और वात और कफ की प्रकृति है तो सुबह का समय अच्छा। देख लीजिए आप किस प्रकृति के, उसके हिसाब से ले लीजिए। तो ये एक दवा है दालचीनी गुड़ के साथ, इससे 48 रोग ठीक हो जाएंगे। 48 क्या क्या ठीक हो जाएंगे? पेट के सब रोग ठीक होंगे। खाली पेट लेंगे सुबह वहां तो कफ वाले, पेट वाले खाली पेट कभी भी नहीं लेंगे, वो रात को ही लेंगे। आपके अगर घुटनों का दर्द है जिसको संधिवात कहते हैं, आर्थराइटिस हो, इसके दो हिस्से रूमेटिक आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों ठीक होते हैं। नींद अच्छी नहीं आती, अनिद्रा की समस्या है, वो भी इससे ठीक होती है। आपको मन में हमेशा अशांति रहती है, चिड़चिड़ होती रहती है, ये एक मेथी का दाना 23 रोगों में काम आता है। और मेथी का दाना दो ही प्रकृति के लोगों के लिए है, वो ध्यान से सुन लें, जिनको वात और कफ प्रकृति है वही मेथी दाना ले सकते हैं, जिनको पित्त प्रकृति है गलती से भी नहीं लेना, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। माने आपको पेट में जलन होती है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है, तो कभी भी मेथी दाना नहीं खाना, नहीं तो और ज्यादा होगा। आपको अगर ये पित्त छोड़कर वात और कफ है, भरपूर मेथी दाना खाए। अब मेथी दाने का वो नियम बताते हैं कि रात को 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, सुबह उठकर पानी को घूट घूट करके पी लीजिए, पीछे से दाना चबा के खा लीजिए। मैंने 23 रोगों में इसका परीक्षण किया है, सबसे अच्छे परिणाम है डायबिटीज। अगर किसी को भी डायबिटीज है आप उसको मेथी दाना देना शुरू कर दो, 3-4 महीने के बाद इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे सबसे अच्छे रिजल्ट है इसके, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पांव का दर्द, दर्द ही दर्द, उसमें बहुत अच्छे परिणाम मेथी दाने के। तीसरा, भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होना, उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम। और मैंने माताओं बहनों पर इसके बहुत परीक्षण किए हैं कि हमारे गर्भाशय की जितनी बीमारियां हैं उसमें सबसे अच्छे परिणाम इसी के हैं मेथी दाने। जैसे हमारा मेंसेस साइकिल है, उससे जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, समय से नहीं आता, आता है तो देर तक चलता है, रक्त प्रवाह ज्यादा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, चिड़चिड़ हो जाता है, मेनोपॉज पीरियड आया है, फ्लैशेज होते हैं, वो सभी समय की सबसे अच्छी दवा मेथी का दाना। मेथी दाना कैसे लेना? रात को गर्म पानी में डालना, सुबह उठकर पानी पीना, पीछे से दाना चबा के खाना। मैंने एक और रोग में इसको अभी देखा प्रयोग करके, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, ऐसा कई बार होता है और उन माताओं को जरूर होता है जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हो गया, तो गर्भाशय हट गया तो ज्यादातर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आप काट के निकाल दो। मेरा ऐसा मानना है कि काट के निकालने की जरूरत नहीं है, अगर वो बेकार होता तो भगवान ने दिया था, शरीर का कोई अंग बेकार नहीं है, काट के निकालने की, उसको ठीक करो, बीमारी है तो ठीक करो, उसकी सबसे अच्छी दवा यही है मेथी का दाना। अब मुझे समझ में आया, बचपन से मैं देखता हूं कि मेरे घर में और मेरे आसपास में जितनी भी माताओं को बच्चे होते थे तो मेरी दादी माँ सबको मेथी के लड्डू दे के आती थी, अपने घर में बना के पड़ोसियों को दे के आती थी, लो मेथी के लड्डू खाओ। तो वो अब मेरे समझ में आया, क्योंकि प्रसव होने के तुरंत बाद गर्भाशय को अपने स्थान पर वापस आने में जो समय लगता है, मेथी दाना वही काम करता है। इसलिए इस देश में गांव गांव में ये जानकारी लोगों को थी, बाद में वो कम हो गई जानकारी और उसके बाद हम दुखी हो गए। ये जानकारी फिर वापस लाइए अपने परिवार, मेथी दाने का उपयोग बढ़ाइए। बात और कफ वाले तो इसको अमृत के समान समझे, इससे अच्छी उनको कोई दूसरी दवा नहीं हो सकती। वजन बहुत बढ़ गया है, मेथी दाना खाइए, वजन कम कर देगा। मात्रा मैंने बताया 2 चम्मच से ज्यादा नहीं,
कभी भी एक दिन में दो चम्मच से ज्यादा नहीं, सूखा मेथी दाना दो चम्मच, एक चम्मच भी ले सकते हैं शुरू में, क्योंकि तीखा है कड़वा है खाने में तकलीफ आएगी, तो शुरू में एक ही चम्मच ले लीजिए, फिर आदत पड़ जाए तो बढ़ा दीजिए, दो से ऊपर मत ले जाए। रक्त के जितने भी दूषण हैं उनकी सबसे अच्छी दवा है ये मेथी का दाना। फिर मत लीजिए, फिर मैं दूसरी दवा बताऊंगा। जिनको एसिडिटी और घुटने का दर्द है तो उनको अलग बताऊंगा, जिनको एसिडिटी छोड़कर जो कुछ भी है उनकी बात हो रही है, कफ और पित्त, सॉरी बात और कफ। अगर रक्त के दूषण है, रक्त के कई बीमारियां हैं, जैसे रक्त में कोई गंदगी है तो वो आपको चर्म रोग के रूप में दिखाई देगी, त्वचा रोग आ जाएंगे, फोड़े होना, फुंसी होना, पिंपल्स होना, मुहासे होना, मुहासे हो गए तो काला काला हो जाना, ये सब रक्त की तकलीफें हैं। इसकी सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। और कई बहनों को समय शुरू होने पर भी मेंसी शुरू नहीं होता और उनका उम्र आ गया लेकिन नहीं हो रहा है, सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। बहुत अच्छा, आप उसको घर में जरूर रखिए और इस्तेमाल करें। तीसरी दवा के बारे में वो बोलते हैं वहां चरक ऋषि कि अपने रसोई में है और बहुत अच्छी है, उसका नाम है चूना। चूना ये जो पान में लगा के खाते हैं ना चूना, वो ही चूना। ये अकेला चूना लगभग 50 बीमारियों में काम आता है, लगभग 50। क्या क्या बीमारियां ये ठीक कर सकता है चूना? अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है, हेपेटाइटिस, आप उसको चूने का पानी देना शुरू कर दो, 8-10 दिन के बाद अद्भुत परिणाम मिलेगा। किसी को भी जॉन्डिस हो, चूने का पानी दे दो, पानी में चूना मिला के दे दो, नहीं तो चूने का पानी दही में मिला के पिला दो, लस्सी में मिला के पिला दो, मट्ठे में मिला के पिला दो, और सबसे अच्छा है गन्ने के रस में मिला के पिला। मैंने ये चूने का परिणाम देखा है हेपेटाइटिस के सभी केसेस में, बहुत अच्छे परिणाम। और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी में ये चूना अद्भुत काम करता है, कभी भी आप उपयोग करते रहे। और एक गंभीर बीमारी जो अक्सर हमें होती है, ये जो आपके घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, चूने का पानी पियो। जो माताओं की उम्र 45 वर्ष हो गई है, मेनोपॉज पीरियड शुरू हो गया है, सबको बोलो चूने का पानी पियो, अद्भुत काम। बच्चे हैं छोटे, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, आप बहुत परेशान है कि खूब खिलाते हैं पिलाते हैं फिर भी लंबाई नहीं बढ़ती, चूने का पानी देने लगे, अद्भुत लंबाई बढ़ा है। कितने उम्र पर? 21 साल तक। और ये चूने का पानी क्या क्या काम करेगा मैं बता देता हूं। कभी भी 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं लेगा, खराब से खराब बीमारी में भी 1 ग्राम, 1 ग्राम जो है ना इतना सा होता है। मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं, पान पर जितना चूना एक बार में लगा के खाते हैं वो लगभग 1 ग्राम होता है, उतना ही खाना एक दिन में, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे ले। मैंने अभी इसके परिणाम देखे हैं कैटरेक्ट में, अगर किसी को कैटरेक्ट है आंख का और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, उसको बोलो चूने का पानी पिए। अगर माताओं को और बहनों को ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर जो बिनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है, सभी ट्यूमर जो है ना मैलिग्नेंसी में नहीं जाते, बिनाइन होते हैं, 90% ट्यूमर बिनाइन होते हैं, यानी वो कैंसरस नहीं होते, लेकिन वो ट्यूमर को डिसॉल्व नहीं करना, तो उसकी सबसे ज्यादा ताकत इसी चूने में, बहुत काम आता है। इसलिए मेरी सबको विनती है, आप चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए, तंबाकू छोड़ के चूना खाए। कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं और बड़े लोग हैं जिनको अक्सर होंठ फटते रहते हैं, गाल फट जाते हैं, सर्दियों में तो बहुत रफनेस आ जाती है, उनको चूना खिलाए। बहुत सारे घरों में ऐसे मैंने देखा है पांव में चीरे पड़ जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, उनको चूना खिलाए। शरीर पर सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, जीव को दर्द, उनको चूना खिलाए। हड्डी टूट रही है, डॉक्टर ने तो प्लास्टर बांध दिया, अब इसको वापस जोड़ना है तो चूना खिलाइए।
बहुत अच्छा है कि 50 से ज्यादा बीमारियों में उपयोगी है। ऐसे ही अपने घर में नमक है, नमक बहुत अच्छी दवा है। बाणभट्ट ऋषि और चरक ऋषि दोनों इस पर सहमत हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो और लो ब्लड प्रेशर दोनों में ही नमक मेडिसिन है, अलग अलग उपयोग में। जिनको ब्लड प्रेशर ऊंचा है उनको चरक ऋषि बोलते हैं समुद्र स्नान करना। अब आप बोलेंगे धमतरी में समुद्र कहां से आएगा, तो मैं बताता हूं पानी जो नहाने के लिए है उसमें नमक मिला दो, समुद्र तैयार हो जाएगा। नमक के पानी से नहाओ, साबुन मत लगाओ। 15-20 दिन सतत अगर आपने नमक पानी से स्नान किया, सोन के दिन ब्लड प्रेशर चेक करना नॉर्मल मिलेगा। और जिनको ब्लड प्रेशर लो है उनके लिए है कि नमक पानी में मिला के पियो। लेकिन नमक कौन सा, ये वाला नमक नहीं, आयोडीन ये नहीं, ये नमक नहीं है। ये नमक के नाम पर आपको जहर खिलाया जाए। आपको मालूम है आयोडीन युक्त नमक में दो केमिकल है जो बहुत ही खराब है, एक का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरा है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दोनों ही केमिकल शरीर में जाने तो नपुंसकता लाते, इसलिए दुनिया के सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक बंद है, भारत को छोड़कर। फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, अमेरिका में, सब जगह बंद है, आयोडाइज सॉल्ट नहीं खिलाते। भारत में चालू है, हमने इसके खिलाफ केस किया बंबई हाईकोर्ट में, और वो केस पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया और सरकार इसको पूरे देश में कंपल्सरी नहीं कर पा रही है। अगर हम हार गए तो सरकार करेगी और हम जीत गए तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। हमने जो केस किया है वो इन देशों के बारे में बताया, तो वो कि 20 से ज्यादा देश हैं जहां पर आयोडीन युक्त नमक पर पाबंदी है, वहां के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तो वहां की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में डाली, तो कोर्ट ने इसको दे दिया। अभी कंपल्शन हट गया, आयोडीन युक्त नमक आप ना खाएं तो भी चलेगा, सादा नमक भी खा सकते। विदेशी वैज्ञानिकों का कहना है कि आयोडीन युक्त नमक से नपुंसकता बहुत ज्यादा बढ़ती है। डेनमार्क देश में तो इतनी बुरी हालत हो गई है, 20 साल उन्होंने आयोडीन युक्त नमक खिलाया अपने लोगों को, आज वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वहां बंद कर दिया उन्होंने आयोडीन युक्त नमक। और वहां एक नई स्कीम आई है, ज्यादा बच्चे पैदा करो तो इनाम मिलेगा, $50,000 कैश प्राइस, एक बच्चा है दूसरा कर दो तो $1,00,000। उन देशों में ये समस्या आ गई है। भारत में सरकार का एक अधिकारी मुझे बोलता है कि राजीव भाई हमने भी इसी समस्या का समाधान करने के लिए लाया है, क्योंकि भारत में जरूरत से ज्यादा जनसंख्या और ये कम नहीं हो रही है, तो हम आयोडीन युक्त नमक खिलाएंगे, 5-7 साल में नपुंसकता बढ़ जाएगी, तो बच्चे हो ही नहीं, तो भारत की समस्या हल हो जाएगी। ये भारत सरकार का चिंतन है, ऐसा सरकार सोचती, तो आप मत करिए इसका। मेरी मान्यता में जनसंख्या कम करने की कोई जरूरत अपने को नहीं है, अपने को जनसंख्या कम करने की जरूरत नहीं है, संसाधनों का बंटवारा ठीक होना चाहिए, इसकी जरूरत है भारत। जनसंख्या अपनी बहुत ज्यादा नहीं है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जापान की, उनको चाहिए कम, क्योंकि उनके पास एरिया तो है नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं। उसके बाद है हॉलैंड, नीदरलैंड, फिर है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे, इन देशों को जनसंख्या कम करनी चाहिए। भारत में अभी संसाधनों का बंटवारा ठीक करो, जनसंख्या इस देश में ज्यादा नहीं है, संसाधन कुछ लोगों के पास तो इतने हैं कि उनको पता नहीं क्या करें, और कुछ के पास कुछ भी नहीं है वो भूखे मर जाएं, ऐसा देश है भारत, ये ठीक करने की जरूरत है। तो आप नमक खाओ, बिना आयोडीन वाला खाओ, डेले वाला नमक खाओ, क्रिस्टल वाला नमक खाओ, वही अच्छा, और पानी में मिला के स्नान करना हो तो वही क्रिस्टल वाला नमक। और एक छोटी सी आखिरी बात कि आपके रसोई में कुछ सब्जियां भी हैं जो बहुत अच्छी दवाएं, चरक बोलते हैं कि जो सब्जियों में छिलका ऊपर का जितना अच्छा है वो मेडिसिन उतनी अच्छी है, जैसे लौकी दूधी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। किसी को भी हृदय की तकलीफ है लौकी का रस दे, बहुत अच्छा।
आप कभी भी करके देखो, रामदेव बाबा ने 3 लाख लोगों को लौकी का रस पिला पिला के हृदय घात से बचाया। लौकी हर गांव में मिलती है आसानी से। दूसरा जो सबसे अच्छा सब्जी है, पालक और मेथी, अद्भुत है, एनीमिया की किसी को भी तकलीफ है, रक्त अल्पता, मेथी और पालक भरपूर खाइए, गाजर भरपूर खाइए, रस पीजिए अनार का, भरपूर रस पीजिए। तो सब्जियां भी हैं और मसाले भी हैं जो औषधि है। अब इस विषय में अगर आपको और ज्यादा जानना हो, आपको मजा आ रहा हो और सुनना है, तो आपको ज्यादा देर में नहीं सुना सकता क्योंकि अब मुझे दूसरे व्याख्यान के लिए जाना है, लेकिन एक छोटी सी व्यवस्था जरूर मैं करके लाया। इस विषय पर हमने कुछ किताबें बनाई, पुस्तकें, वो यहाँ पर लाई है, आप उन्हें ले सकते हैं। मैंने जितना बताया उससे 10 गुना ज्यादा उन पुस्तकों में है। आपके रसोई में जितनी भी औषधियां हैं उनसे 108 रोगों की चिकित्सा आप कर सकते हैं। वैसी एक पुस्तक है गंभीर रोगों की चिकित्सा, रसोई घर से। दूसरी एक पुस्तक है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, बागभट्ट ने ऐसा कहा, बागभट्ट ने ऐसा कहा, बागभट्ट ने ऐसा कहा, तो बागभट्ट के सूत्रों को सरल भाषा में लिखा है। उस पुस्तक का नाम है स्वावलंबी अहिंसात्मक चिकित्सा। एक तीसरी पुस्तक है हमारे घर के नजदीक में जो कुछ भी जड़ी बूटियां हैं उनसे होने वाली चिकित्सा, उसका नाम है पंचगव्य चिकित्सा, गाय और गाय के नजदीक में क्या क्या मेडिसिन। और एक है सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन के जितने भी डिसीज है वो कैसे ठीक हो सकते हैं, वो है सौंदर्य चिकित्सा। फिर एक है स्वदेशी चिकित्सा। ऐसी छोटी छोटी 5-6 किताबें हैं, उनमें ये जानकारी है जो मैं दे रहा था, और ज्यादा भी है आप ले सकते हैं। और इसी विषयों पर CD बनाई है 40 घंटे की, वो आप ले सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। पुस्तक और CD पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट, क्योंकि मैं मानता हूं ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, अब आप इस ज्ञान को दूसरों को दे दो, मुझे खुशी होगी। मैंने CD की कॉपी बना बना के आप दे दो, पुस्तकों की कॉपी बना बना के दे दो, तो ये बात घर घर अगर पहुंच जाए तो हमारे खान पान और हमारे रीत व्यवहार में ही स्वास्थ्य और चिकित्सा जुड़ जाए तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्च बच जाए और आप सुखी हो जाए और देश सुखी हो जाए। ये देश में बहुत सुंदर सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखं। सब सुखी हों अगर सब निरोगी हों, तो निरोगी होने के लिए कुछ रास्ते मैंने बताए, आपने बड़े ध्यान और शांति से सुने, मैं आभारी हूँ आपके पास मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। कोई प्रश्न हो जरूर पूछिए, कोई शंका आई हो जरूर पूछिए, समाधान करना है तो भी जरूर पूछिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था पहले ही प्रश्नोत्तर काल रहेगा, अगर कोई भी भाई या बहन कोई भी प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न पूछ सकती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां योगा प्राणायाम आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो सकती है। रामदेव जी ऐसा बोलते हैं और उन्होंने कई मरीजों पर उसके परीक्षण किए हैं, 150 कैंसर पर उसके कुछ रिजल्ट वो बोलते हैं कि आए हैं। मैंने अभी वो देखे नहीं, अगर मैं देखूं तो उसके बारे में कह सकता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में कुछ वैद्य ऐसे हैं इस देश में जो कैंसर की आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं और उनकी चिकित्सा में मैंने लोगों को लाभ लेते हुए देखा है। ऐसे एक वैद्य हैं हार्डीकर, पूना में रहते हैं, सिर्फ कैंसर की ही चिकित्सा करते हैं और 80 साल के हैं, बहुत सटीक औषधि में बताते हैं। ऐसे हो सकता है और भी पूरे देश में बहुत सारे वैद्य हैं। प्रश्न दो, अभी हाल में 2 चैनल पर गांधी जी के संबंध में जो दिखाया गया उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। होता क्या है कि इस देश में एक ऐसा बन गया है कि गांधी जी को गाली दो तो प्रचार बहुत मिलता है,
तो टीवी चैनल वाले और उन पर बोलने वाले गांधी जी के बारे में कुछ भी उल जुलूल बन देते हैं और प्रचार का जरिया वो बन जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसलिए कि मैं गांधी जी के आश्रम में रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ, गांधी जी से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो सब आश्रम में हैं, मैंने बार बार उनको पढ़ा है, देखा है, और टीवी चैनलों पर जो कहा गया उसमें कोई रंच मात्र भी सच्चाई नहीं। इसलिए गांधी जी के बारे में कई बार कुछ बातें आए तो आप आसानी से उनको स्वीकार मत करिए। अभी हाल में एक बहुत खराब बात गांधी जी के बारे में आई कि 50 साल की उम्र में उनको किसी से प्यार हो गया। गांधी जी की अपनी लिखी हुई किताब अगर आप पढ़ लें जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद्रोह, मेरे सत्य के प्रयोग, तो उन्होंने बोला है कि मेरी जिंदगी के 35वें साल में मैंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और मेरी पत्नी ने मेरे साथ ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और उसके बाद हम दोनों भाई बहन की तरह से रहे। 35वें साल में गांधी जी की मृत्यु हुई लगभग उसके 50 साल के आसपास। 35वें साल से जो आदमी ब्रह्मचर्य धारण कर ले वो 50 साल की उम्र में जाके ऐसा फिसल जाए, ये तो कहीं दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति ने ये कहा उनका ये कहना है कि मेरी किताब फेंके जिसमें उन्होंने ये नहीं माना, तो उनको किताब बेचनी है और वो किताब बेचने के लिए इस तरह की उल जरूर बातें उसने छापते रहे। क्या ब्लैक टी दूध की चाय के अपेक्षा अच्छी होती है? हाँ, और ये बात अगर कम होते हैं, ये बात सही है। अगर आपको चाय ही पीनी है जरूर पीजिए, दूध मत डालिए। बिना दूध की चाय पी सके तो पीजिए, और बिना दूध की चाय वो वाली पीजिए जो पत्ते वाली होती है, एक होती है लीफ टी और एक होती है टी डस्ट। ये जो टी डस्ट है ना चूरा वाला, ये चाय नहीं है, वो जो पत्ते वाली है वो चाय है। तो पत्ते वाली चाय में बीटा कैरोटीन है और बीटा कैरोटीन हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करता है, क्योंकि यही विटामिन ए बनाता है और हृदय के बहुत ज्यादा उपयोग आता है। और ये जो पत्ते वाली चाय है इसमें 3 केमिकल है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट केमिकल अगर आपके रक्त में है तो आपको हृदय घात भी कम होगा और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आएगा और जीवन के सारे अंग उपाय अच्छे काम करेंगे। लेकिन चाय पत्ते वाली हो बिना दूध की हो वही अच्छी है, लेकिन उसमें शक्कर नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। चाय में शक्कर मिलते ही तकलीफ होती है, चाय में शक्कर नहीं होनी चाहिए। शहद ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, शक्कर बिल्कुल नहीं। शक्कर माने शुगर, शुगर के जो केमिकल है और चाय के केमिकल एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए चाय पीना है तो बिना शुगर की, गुड़ मिलाकर, नहीं तो शहद मिलाकर और दूध डाले बिना वो पीजिए, वो आपको मेडिसिन के रूप में ही उपयोगी है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से कोई नुकसान तो नहीं? हाँ, अगर आपको पित्त की तकलीफ नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, पित्त की तकलीफ नहीं है तो कोई नुकसान नहीं। अगर पित्त प्रकृति आपकी है तो जरूरत से ज्यादा पानी आपको तकलीफ कर देगा। हाइड्रोसिन हो सकता है, हर्निया हो सकता है, एपेंडिसाइटिस की भी तकलीफ आ सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, पित्त वाले लिमिट में ही पानी पिए, कम भी ना पिए ज्यादा भी ना पिए। बात और कफ वालों को कोई तकलीफ नहीं, कफ वाल में जितना पानी पिए उतना अच्छा, माने जिनको मोटापा ज्यादा है वो पानी ज्यादा ही पिए, उनके लिए बहुत अच्छा। जूस बढ़ा है दूध का क्रम रखने पर कौन कौन से दुष्प्रभाव? हाँ, इस पर मेरा पूरा 3 घंटे का व्याख्यान होता है। विरोधी और विपरीत चीजें खाने का हमारे आयुर्वेद में बहुत मनाही है। दो विरुद्ध वस्तुएं कभी साथ में नहीं खाना और विरुद्ध वस्तुओं के साथ विपरीत क्रम में नहीं खाना। अगर विपरीत क्रम में और विरुद्ध वस्तुएं आप खाएंगे तो सबसे ज्यादा चर्म रोग आएंगे, चर्म रोग। अगर जैसे दूध आप सुबह पीने लगे, जूस शाम को पीने लगे तो आपको जरूर चर्म रोग आएंगे, व्हाइट स्पॉट्स हो सकते हैं, ल्यूकोडर्मा हो सकता है, इचियोसिस हो सकती है, सोराइसिस आ सकती है। सोराइसिस अक्सर आती है उन्हीं पेशेंट को जो विपरीत खाना खाते हैं, विरुद्ध आहार और विपरीत समय में खाते हैं। तो जब जिसका समय है उसी समय आप खाते। बच्चों की आंख का चश्मा हटाने सलाह दें? हाँ, अगर आप उनकी आंख का चश्मा हटाना चाहते हैं तो बच्चों को गाजर और सेब खिलाएं। गाजर है ना, गाजर, उसको कद्दूकस में घिसी
तो उसके लक्ष्य से बनेंगे, और से उसको कद्दूकस में घिसिए उसके भी लक्ष्य बनेंगे, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक भर भर के खिलाइए बच्चों को सुबह सुबह। जितने दिन सेब मिलता है, जितने दिन गाजर मिलती है, नियम से खिलाइए तो छोटे बच्चों के चश्मे बहुत आराम से उतर जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों के 3 से 4 महीने में उतर जाते हैं, कुछ के 6 से 8 महीने में, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 2 साल तक में उतर जाते हैं, लेकिन उतर जाते। आपने कहा है कि सुबह पानी, फिर मेथी का पानी, फिर मेथी खाएं और फिर चूने का पानी, इसे कैसे लें? हाँ, तीनों में एक एक घंटे का अंतर। सबसे पहले पानी लेंगे, 1 घंटे बाद मेथी का पानी लेंगे, 1 घंटे बाद चूने का पानी। नाश्ता खाने का पानी, बीच में कोई भी समय जे, हाँ बीच में आप आधा घंटे के समय में नाश्ता कर लीजिए, जैसे सुबह का पानी पिया उसके आधे घंटे 40 मिनट बाद नाश्ता कर सकते हैं, उसके आधे घंटे के बाद आप ये मेथी का पानी ले सकते हैं, या पानी लेके मेथी का पानी लेके बीच में नाश्ता कर सकते हैं, बाद में चूने का पानी ले सकते हैं, तो बीच में आधे घंटे के गैप में आप नाश्ता कर सकते हैं तीनों के बीच में। 3 साल की बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही है, उसे चूना कितना और किस? मैंने बोला 1 ग्राम से ज्यादा कभी मत दीजिए, और सुबह सुबह दीजिए, दही में मिला के दीजिए, लस्सी में मिला के दीजिए, गन्ने के रस में मिला के दीजिए, नहीं तो सादा पानी भी मिला। सिर में डैंड्रफ, सिर में डैंड्रफ अगर ठीक करना है तो बहुत अच्छी दवा है नींबू का रस और गुड़, दोनों मिलाइए, नहीं तो नींबू के रस में शहद मिलाइए और इसको बाल में लगाइए, और 1 घंटे लगा रहने दीजिए, फिर उसके बाद बाल को धो लीजिए, शैंपू मत लगाइए उस दिन, तो डैंड्रफ 2 या 3 बार में निकल जाए। गुटखा का चलन से कई रोग होने की संभावना है, इसे कैसे रोका जाए? गुटखा रोकना है तो उन लोगों को अदरक खिलाइए, नहीं तो सौंठ खिलाइए, जैन लोग सौंठ खाते ना, सौंठ, तो जो सौंठ ज्यादा खाएंगे वो अपने आप गुटखा छोड़ देंगे, और अदरक खाएंगे तो भी गुटखा छूट जाएगा। तो जिनको गुटखा खाने की आदत है उनके लिए आप करिए, छोटे छोटे अदरक के टुकड़े काटिए, धूप में सुखा लीजिए और उनको दीजिए, जब भी गुटखा खाने का दिल करे वो गुटखे का एक मुंह में ये जो अदरक का टुकड़ा रखें और उसको चूसते रहें, दिन भर में खत्म नहीं होगा, रात भर भी खत्म नहीं होगा, 2-3 दिन लगातार करेंगे, 4th दिन से याद ही नहीं आएगी गुटखा। पल्स पोलियो अभियान के बारे में आपकी क्या विचार? इसकी बहुत जरूरत नहीं है, हमने बहुत ओवरडोज कर दिया हमारे बच्चों को, पहले आया था कि 1 खुराक देंगे, अब पता चल रहा है 10-10 खुराक हो गई और कई बच्चे बेचारे मर रहे हैं इस पल्स पोलियो की खुराक लेकर। इसलिए मेरी विनती है कि ज्यादा इसको ओवरडोज मत होने दीजिए, और वैसे भगवान ने, प्रकृति ने हर एक को डिफेंसिव सिस्टम दिया है शरीर में, और वो डिफेंसिव सिस्टम पर भरोसा करें। मैंने कभी पल्स पोलियो खुराक नहीं खाई, मेरे भाई ने भी नहीं ली, मेरी बहन ने, हम तीनों स्वस्थ हैं, किसी को भी पोलियो नहीं हुआ, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों करोड़ों, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में ये सब वैक्सीनेशन बंद हो चुका है, भारत में चालू है, अमेरिका में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है, भारत में चालू है, क्योंकि उनको भारत के बच्चों से कोई ऐसा लगाव नहीं है जो अपने बच्चों से, तो ये मास वैक्सीनेशन तो बहुत ही खराब है, इसमें आप मत जाइए। जरूरत नहीं, हेपेटाइटिस बी का भी जरूरत नहीं है किसी को वैक्सीन लेने, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना उसको ठीक रखें, वो अगर ठीक है तो दुनिया में सब ठीक रहेंगे, उसको कमजोर मत पड़ने दीजिए। सुबह चाय पीजिएगा, दूध पीते हैं नहीं, मैंने आपसे बोला ना दूध का समय रात का है, सुबह का समय जूस का है, दोपहर का समय मटके का है, रात का समय दूध का है, दूध सुबह मत पीजिए, मटका रात को मत पीजिए, जूस शाम को मत पीजिए, बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए। दूध अगर आप दूध पीना चाहते हैं दिन भर में, तो इसकी मात्रा तय होती है काम क्या करते हैं, मान लीजिए आप मेहनत का काम करते हैं, हाथ पैर हिलाते डुलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो एक दिन में 350 मिलीलीटर तक दूध पी सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं करते, साधारण सुबह शाम आराम की जिंदगी है, तो कभी भी 200-225 मिलीलीटर से ज्यादा दूध मत पीजिए। छोटे बच्चों को उम्र कितनी है, मान लीजिए
साल के अंदर की उम्र है, साल के अंदर की उम्र है तो ज्यादा से ज्यादा उनको 100 से 125 मिलीलीटर, और 1 साल से 3 साल के बीच की उम्र है तो 200 मिलीलीटर। बच्चों 8-10 साल के बच्चों को 250 से 300 के बीच में चलेगा, लेकिन एक उम्र बढ़ने के बाद फिर जरूरत उतनी नहीं है, 15-16 साल के बाद उतनी जरूरत नहीं है, तो उसकी मात्रा चाहे तो कम कर सकते। बच्चे लोग मिर्च नहीं खाते हो तो क्या? मिर्च नहीं खाते तो उसमें अच्छी ही बात है, मिर्च अगर नहीं खानी है तो अच्छा ही है, लाल मिर्च तो कभी मत खाई, खानी है तो काली मिर्च ही खा सकते। शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा है, लेखक कमलेश जैन। हाँ, पिछली प्रवास पर हमने आपको पुस्तक दी। हाँ, मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी किताब है, आपको मिले तो आप भी पढ़िए, क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी लॉजिकल बातें कही हैं जिनको पढ़कर ऐसा समझ में आता है कि एड्स कोई बीमारी नहीं है। वो खाम खाम का एक हवा खड़ा किया गया है कंडोम्स बेच के। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद मैं 3 प्रोफेसर से मिल चुका हूँ जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, एक तो प्रिंसिपल हैं भोपाल मेडिकल कॉलेज के वो बोलते हैं, और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों बोलते हैं कि ये सच में एक धोखा है, ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। बीते वर्षों में आपने जो हाईकोर्ट में 4,000 विदेशी कंपनियों को केस किया था, क्या निर्णय? उसमें से कुछ कंपनियों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया और उनको भारत से जाना पड़ा, जो शेयर बाजार में पैसा कमाती थी और बिना टैक्स के उसको लेके जाती थी। कुछ केस अभी भी पेंडिंग है, कुछ का फैसला आ रहा है, कुछ अभी भी पेंडिंग है। मुझे एक जानकारी तो छूट गई आपको बताने के लिए, वो चरक संहिता की नहीं है, सुश्रुत की भी नहीं है, बागभट्ट की भी नहीं है, वो जीवन व्यवहार में से समझ में आई हुई बात है। वो ये है कि आप घर में जो खाना बनाते हैं उसके लिए तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये डिब्बाबंद तेल इस्तेमाल मत करें, क्योंकि हमने जब डिब्बाबंद तेलों को प्रयोगशाला में परीक्षण करवाया तो पता चला कि वो इतने खराब हैं, उसमें इतने केमिकल हैं जिनकी आपको कल्पना ही नहीं होती, और ये डिब्बाबंद तेल ज्यादा बड़ा कारण है हृदय घात के लिए। आपके सामने कैलाश सोनी जी हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है ना LDL और LDL ये बहुत बढ़ गया था, इन्होंने एक ही परिवर्तन किया अपनी जिंदगी में, डिब्बाबंद तेल खाना इन्होंने बंद कर दिया, शुद्ध तेल खाना शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने लिपिड प्रोफाइल चेक कराया तो इनका जो खराब कोलेस्ट्रॉल था वो कम हो गया और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल था वो बढ़ गया। ये जो इनके लिए परिणाम आया वो भारत में सैकड़ों लोग भी यही बात करते, कोई कहते कि जब से डिब्बाबंद तेल खाना उन्होंने छोड़ा उनका तकलीफ पहले से कम हो गई। तो आप शुद्ध तेल खाइए, डिब्बे में बंद तेल मत लाइए, शुद्ध तेल खाइए। तो आप बोलेंगे जी धमतरी में शुद्ध तेल कहाँ मिलेगा, तो तेल की घाणी एक लगा लीजिए। इन लोगों ने तय किया एक तेल घाणी शुरू करने जा रहे, तो आपको ये सोनी जी और डॉक्टर साहब के सहयोग से शुद्ध तेल अभी मिल जाएगा, धमतरी में अब शुद्ध तेल की कोई कमी नहीं आने वाली है। आप हमेशा ये याद रखिए तेल कोई भी खाइए, डिब्बाबंद बिल्कुल नहीं, शुद्ध ही तेल खाइए, और ज्यादा अच्छा तेल जो खाने को है मूंगफली का है, तिल का है, और हमारे घरों में कई बार इस्तेमाल होता सरसों का, ये 3 को छोड़कर चौथा कोई तेल मत खाइए। सोयाबीन का तेल तो गलती से भी मत खाइए, सूरजमुखी का तेल कभी भी मत खाइए, क्योंकि सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल मनुष्य के खाने के लिए नहीं है, दोनों ही तेल का जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर वो पचने की क्रिया शुरू होती है वो मनुष्य शरीर से ऊंचा है। हमारे शरीर का नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सोयाबीन तेल और ये जो सूरजमुखी का तेल है इसको डाइजेस्ट होने के लिए 40 डिग्री 42 डिग्री लगता है, उतना टेम्परेचर शरीर में कभी भी नहीं होता बीमार होने को छोड़कर। तो इसलिए सोयाबीन अच्छा तेल नहीं आपके लिए, सोयाबीन अच्छा तेल है सुअर के लिए, सुअर होते हैं ना इनको भरपूर सोयाबीन तेल खिलाना चाहिए, और सूरजमुखी का तेल भैंस को जरूर खिलाना चाहिए, उसके काम का है, मनुष्य के काम के लिए दोनों तेल नहीं। ये जो सोयाबीन का प्रोटीन है ना ये मनुष्य शरीर में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन जो सबसे आसानी से हमें डाइजेस्ट होता है वो दाल का है। आपने कभी देखा भगवान की पूजा में सोयाबीन रखते क्यों नहीं रखते, अगर इतना अच्छा है सोयाबीन?
भगवान की पूजा में उड़द की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, अरहर की दाल रखते हैं, चने की दाल रखते हैं, सोयाबीन दाल कभी भी नहीं रखते क्योंकि वो अच्छी नहीं है, शास्त्र के हिसाब से भी नहीं है, विज्ञान के हिसाब से भी। सोयाबीन दाल खाने वाले लोग कुछ ही है दुनिया में, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो खा सकते हैं, यूरोप में रहने वाले खा सकते हैं, हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। पनीर, मतलब पनीर सोयाबीन का मत खाइए, दूध का ही पनीर खाइए, नहीं सोयाबीन का पनीर मत खाइए, सोयाबीन का कुछ मत खाइए जी। घर में दूध का पनीर खा सकते हैं, जरूर खाइए, जरूर खाइए। खाना खाने की कितनी देर पहले पानी पी सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पहले आता तो अच्छा था। खाना खाने के 20 मिनट पहले आप भरपेट पानी पी सकते, 20 मिनट पहले कितना भी चाहे उतना पानी पी सकते। गेहूं के साथ सोयाबीन भी आप खाते हैं? गेहूं के साथ चने को मिला के खाइए, सोयाबीन की बिल्कुल जरूरत है, चना और गेहूं बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किसी का भी मत खाइए, उस सोयाबीन को पचाने के लिए जो शरीर में लगता है ना एंजाइम, वो है नहीं हमारे शरीर, वो सिर्फ सुअर के शरीर में, मनुष्य में है ही नहीं। तो खाने से कोई फायदा नहीं, पचेगा है नहीं, बेकार वेस्ट जानवर। चना खाइए, घोड़ा घोड़ा चना खाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत घोड़े में ही मानी जाती है, और हर ताकत को घोड़े से नापा जाता है, हॉर्स पावर। आप चना खाइए ना, भरपूर देसी चना खाइए। 56 वर्ष, 5'5" वजन, 52 किलो, वजन बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? आप अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं इस उम्र में भी, तो उसका सबसे सरल उपाय है दही और केला खाइए साथ में, चना और गुड़ खाइए साथ में, और मूंगफली के दाने और गुड़ खाइए। ये तीन चीजें आपकी डाइट में शामिल करिए, आपका वजन 4 से 5 महीने में 1 किलो बढ़ जाएगा नियमित रूप से। और ज्यादा बढ़ाना है तो 2-3 साल यही खाते रहिए। और कोई प्रश्न? हाँ जी, आपने एक प्रश्न पूछा था इसी तरह का, मुझे याद आ गया। अगर मान लीजिए पित्त की भी तकलीफ है और वात की भी तकलीफ है तो आप क्या करें? तो आप फिर ये मत लीजिए, दालचीनी भी मत लीजिए, ये भी मत लीजिए, चूड़े का पानी भी मत लीजिए। आपको मैं तीसरी औषधि बता दू जिनको पित्त और वात दोनों एक साथ है, उनकी सबसे अच्छी दवा है त्रिफला चूर्ण लीजिए। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण में आंवला, हरड़े और बहेड़ा, ये तीन दवाएं हैं, ये आप लीजिए। मात्रा कितनी? 1 चम्मच, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच शहद। शहद नहीं ले सकते तो 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को मिलाइए हल्के गर्म पानी में, कप भर के मिला के उसको चाय की तरह से चुस्की लेते हुए पी लीजिए। सुगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम है, रात को पिएंगे कम परिणाम है, लेकिन है। अच्छा परिणाम लेना है तो सुबह पीजिए, कम तो रात को जी। आंवला, हरड़े और बहेड़ा, मात्रा तीनों सम मात्रा रखिए, 1:1:1 अनुपात, आधा किलो आंवले का चूर्ण, आधा किलो हरड़े का, आधा किलो बहेड़े का, तीनों मात्रा बराबर। आजकल गुड़ आ रहे हैं, तो पूरे केमिकल से। हाँ तो गुड़ बिना केमिकल का भी मिलता है, आपको चाहिए तो हम दिलवा देंगे। आपको बिना केमिकल का गुड़ चाहिए तो यही मिल जाएगा धमतरी में। बिना केमिकल का गुड़ जो है ना थोड़ा काला काला सा होता है, और जो ज्यादा केमिकल वाला वो एकदम सफेद और पीला होता है। तो पीला और सफेद को छोड़ के काला वाला चाहिए तो हम दिलवा देंगे, जितना चाहिए उतना मिल जाए, कमी नहीं है। नहीं, अच्छा देखने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती। आपको मालूम है कई बार कुछ बहनें बहुत गोरी दिखती हैं, लेकिन जब उनकी नब्ज देखते हैं तो पता चला कि एनीमिया की शिकार है। हाँ रक्त अल्पता है, तो रक्त की कमी आने से जो पीलापन है वो हमें गोरापन दिखाई दे रहा है।
तो उसमें धोखा हो जाता है। तो गुण बहुत पीला है वो अच्छा नहीं है जी। धन्यवाद। अभी आगे भी कोई प्रश्न हो तो आप पत्र लिख के कभी भी पूछ सकते हैं जी। इनका एक प्रश्न है, कोई अगर बहुत इमरजेंसी है तो भोजन के तुरंत बाद उबलता हुआ गर्म पानी थोड़ा सा इमरजेंसी के कुछ रोग निदान के साथ, रोग निदान के हिसाब से मत पूछिए इमरजेंसी, रोग निदान के हिसाब से मत पीजिए इमरजेंसी मत पीजिए। रोग निदान के हिसाब से तो एक डेढ़ घंटे के बाद हल्का गर्म ही सबसे अच्छा। आशा है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और आप लोग संतुष्ट होंगे। अंत में मैं लक्ष्मण इंजा को बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, तो अब आगे प्रश्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राजनी साहब। मंत्री आजादी बचाओ आंदोलन स्वराज अभियान मंत्री जी आभार व्यक्त करते हैं माननीय श्री राजीव दीक्षित जी जो कि हिंदू स्वराज अभियान के प्रणेता हैं, कि आपने एक बार और मंत्री पधार करके और अपने आज का जो नया विषय था उस पर व्याख्यान दे करके इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ दिया। हम आभारी हैं यहाँ उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों के, विशेष रूप से नगर में सक्रिय जो महिला संगठन हैं उनके, जिन्होंने बहुत अच्छी उपस्थिति प्रदान कर इस कार्यक्रम को सार्थक किया, और सभी गणमान्य नागरिकों के जिन्होंने यहाँ पर उपस्थिति प्रदान कर इस आयोजन को सार्थक किया। हम आभारी हैं आदरणीय श्री मोतीलाल जी साहू एवं श्री शेखर वर्मा जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, कि आपने भी अपना बहुमूल्य समय दे करके और हमारे कार्यक्रम की सफलता में हमें सहयोग किया। हम आभारी हैं समस्त पत्रकार मित्रों के जिन्होंने सूचना और प्रकाशन के माध्यम से जन जन तक के आज के इस कार्यक्रम की सूचना दी, और यह सफल आयोजन ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग से संपन्न हुआ है, ऐसे सभी का हम हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। मंगल भवन प्रबंधन के भी हम आभारी हैं और व्यवस्थाओं में सहयोगकर्ताओं के हम आभारी हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यही समाप्त होता है, जैसी की सूचनाएं दी गई है कि राजीव जी का एक और व्याख्यान राम कथा पर आधारित ग्राम अर्जुनी में उसके बाद अभी प्रारंभ होगा, अब से लगभग आधे घंटे बाद।